अर्जुन को हम सादा सा अनुभव थोड़ी सारी तरीका निकाल के जुवेनाइल ऑफेंडर को हम उसको एहसास दिलाएं कि व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय हिम, उसको एहसास दिला के उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके का भी हैं जो वो अडॉप्ट किए जाए, ना कि उसको पनिश किया जाए। द मोड जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी वापस दिला के जो अगर चोरी की गई है उसके जरिए भी हम कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस सिस्टम कमेटी को करना है विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हेडेड बाय एजुकेशन मजिस्ट्रेट बैन, उसमें एक के पी मेंबर भी हैं, उसके साथ एडीपीटी साहब भी हैं, जज साहब भी हैं, चार मेंबर हैं, वो मीटिंग करते रहते हैं जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के अंदर। अच्छा, क्या क्या कर सकते हैं? सिचुएशन ऑफ मोबल प्रॉपर्टी, रेपरेशन ऑफ डैमेज कॉज, जो नुकसान किया गया है उसको भरपाई करना, रिटर्न एंड ऑरल अपॉलॉजी, उससे रिटर्न अपॉलॉजी मिली बाबा जी के आइंदा ऐसा नहीं होगा, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेट करने के लिए, पेमेंट्स ऑफ फाइन एंड कॉस्ट, प्लेसमेंट इन जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड रिटर्न एंड ऑरल रिप्रीमेंड, उसको एहसास दिलाना कि भाई ये तुमसे गलती हो गई, जैसे आइंदा वो ना कर पाए। जो मेन आगे करके मैं आपको बता रहा हूँ डायवर्जन किस किस ऑफेंसेस पे अप्लाई हो, अगेन डायवर्जन ओनली अप्लाई अपॉन द ऑफेंसेस व्हिच आर डिस्क्राइब्ड एज माइनर एंड मेजर, डायवर्जन शुड नॉट बी अप्लाइड अपॉन द ऑफेंसेस डिस्क्राइब्ड एज मीनियस ऑफेंस। जो माइनर और मेजर ऑफेंसेस होंगे वही हम डायवर्जन के लिए भेज सकते हैं कि भाई उसकी डायवर्जन की। अच्छा, डायवर्जन के लिए जो पहले ही दिन जब जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाता है जो कंसर्न आयु है वो भी डायवर्जन के लिए रेफर कर सकता है। एट द स्टेज ऑफ सेक्शन 173 मीन सबमिशन ऑफ चालान, उसके एडीपीटी भी रेफर कर सकते हैं, वाइल एट स्टेज ऑफ ट्रायल कोर्ट भी रेफर कर सकती है जुवेनाइल के लिए। लेकिन उसमें इशू ये है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये चीजें होंगी, ये सारी होंगी कंसेंट ऑफ द कंप्लेंट, उसमें कंसेंट लाजमी, प्राइवेट पर्सन है तो प्राइवेट पर्सन की कंसेंट, अगर स्टेट ऑफेंस है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विदाउट कंसेंट नो केस कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डायवर्जन, वो मैंडेटरी है। तो ये डायवर्जन की पोजीशंस हैं जो उसमें आ जाती हैं जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी के पास उसके अख्तियार। नाउ ट्रायल ऑफ अ जुवेनाइल विद एन अडल्ट, नॉर्मली लॉ ये कहता है या किसी के जो भी मुल्जमान है उसको इकट्ठे ही हमें ट्रायल करना है, लेकिन यहां पे जुवेनाइल जो है वो अडल्ट के साथ ट्रायल नहीं करता, जो भी नॉर्मल लॉ है वो नहीं हो पाता है। नो जुवेनाइल विल बी चार्ज्ड विद एंड ट्रायल फॉर एन ऑफेंस टुगेदर विद अडल्ट। Now, subsection 2 says that juvenile may be charged and tried together with an adult by the juvenile court if the court is satisfied that it is in the interest of justice to hold a joint trial. अगर joint trial तब होगा जब court को ये feel होगा कि ये justice के भी हक में है और उस juvenile के भी हक में है, तभी हम उसका ज्वाइंट ट्रायल कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। नॉर्मली जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस चल रही है कहीं भी कभी भी अपना ज्वाइंट ट्रायल के लिए नहीं कहा गया और फील भी नहीं होता, क्योंकि ज्वाइंट ट्रायल के लिए पर्पज उसका जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट का वो डिफीट हो जाएगा कि भाई उसको सेम ही पोजिशन पर हम अगर रखेंगे तो स्पेशल उसमें जो है हम उसको कवरेज नहीं करेंगे। और जब हम जुवेनाइल को अक्यूज के साथ ट्राई करेंगे, जब जुवेनाइल कोर्ट उसको ट्राई करेगी तो हम जुवेनाइल की अटेंडेंस जो है वो डिस्पेंस कर देंगे, उसकी जरूरत नहीं है वो ट्रायल अटेंड करें। जहां ये समझा जाएगा नॉर्मली ट्रायल अलग ही करना चाहिए। द वेरी क्रूशियल पॉइंट,
नेम ऑफ जुवेनाइल शैल नॉट बी पब्लिश्ड। आपकी दरमियान कितने लोग होंगे जिनको निर्भया केस का पता होगा, जो जिसपे वेब सीरीज जो मशहूर बनी है डेरी क्राइम, क्या देखिए किसी ने नेटफ्लिक्स पे बनी है, उसमें छह मुल्जमान इन्वॉल्व थे। अल्टीमेटली दैट लेडी डाइड, मशहूर केस से बड़ा इस केस को डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। छह मुल्जमान थे, पांच अडल्ट थे, एक जुवेनाइल। आप अभी गूगल कर लें, उस छठे मुल्जम जो जुवेनाइल था उसकी पिक्चर ना उसकी उसका नाम पता आपको गूगल कर ले, बाकी पांचों के आपको मिलेंगे, एक छठे का बिल्कुल नहीं मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट जुवेनाइल अक्यूज्ड कॉज सीरियस इंजरीज टू दैट लेडी विच रिजल्टेड इन हर डेथ, बट एज पर लॉ he was awarded maximum punishment of 3 years in that correctional facility and all others were hanged to death. बाकी सबको सजाएं बहुत ही गई थी, इसको 3 साल की सजा दी गई। बड़े एहतजाज हुए, न्यूज ने बड़ी चीजें पुकार की, भाई इसको भी सजा दो, इसने भी वही क्राइम कमिट किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से द लॉ इज लॉ, नथिंग एल्स। लॉ ये कहता है कि कोई भी जुवेनाइल हो उसको 3 साल से ज्यादा सजा नहीं देनी, वो उसको 3 साल की सजा। लेकिन हमारे यहां 3 साल का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जुवेनाइल को वी कैन नॉट सेंटेंस हिम फॉर डेथ, जुवेनाइल को डेथ सेंटेंस कभी भी नहीं हो सकता हमारे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। सो बात वहां से निकली कि जुवेनाइल का नाम कहीं कभी पब्लिश नहीं होना किसी मीडिया में किसी चैनल पे विदाउट परमिशन ऑफ दैट जुवेनाइल, उसके गार्डियन का कंसेंट हो, उसका कंसेंट हो तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर से कोई करेगा तो दैट हैज बीन प्रोवाइडेड एज एन ऑफेंस जिसकी 2 साल सजा, अगर से उसकी मर्जी के बगैर उसका नाम पब्लिश किया जाता है। Now, probation officer as I earlier said, the probation officer's role is also very crucial in the Juvenile Justice System Act. उसको सारी चीजें कवर करनी है, उसको at the time of arrest देखना है, during investigation भी उसको चेक करना है कि भाई इस पर कोई जबरदस्ती कोई प्रेशर तो नहीं डाला जा रहा उस पर। काफी चीजें हैं, जुवेनाइल कैरेक्टर, एजुकेशनल, सोशल एंड मॉरल बैकग्राउंड देखना है, उसकी एडमिशन ऑफ कमिटिंग ऑफेंस का कैन हैव बीन मेड प्री कंसेंट और वॉलंटरी है या नहीं है, जुवेनाइल ने एक्चुअली ऑफेंस से कमिट किया है या नहीं, मींस ही हैज आल्सो अ रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो भी लीगल और अप्रोप्रिएट असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है उसको सारी उसको प्रोवाइड करनी है, मीडिएशन और कॉम्प्रोमाइज के लिए जो कंप्लेनर के साथ है वो भी उसको अपना कोशिश करनी है अपने एंड पे, एंड नॉट एंड लॉस ऑफ दीज पॉसिबिलिटी ऑफ सेंडिंग द जुवेनाइल टू जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर और रिलीज इन ऑन प्रोबेशन। अब वही बात जो हमने डायवर्जन आपको बताई, वही ऑर्डर हैं जो कोर्ट पास कर सकती है, इसमें अपार्ट फ्रॉम द पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर द रेस्पेक्टिव ऑफेंस, दीज आर द ऑर्डर्स विच कैन अ जुवेनाइल कोर्ट पास। क्या मेरे लिए जुवेनाइल ऑफेंडर आफ्टर द विक्टिम ऑफ कंप्लेंट पार्डन, जैसे मैंने पहले कहा अगर कि वो उसको माफ कर देता है तो उसको रिलीज कर देंगे हम, ऑर्डर फॉर कमेंट्री सर्विस, फाइन, कंपनसेशन, रेस्टिट्यूशन, प्रॉपर्टी एंड काउंसलिंग, रिलीज ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन जो नॉर्मल की हम करते हैं, मेक एन ऑर्डर डायरेक्टर जुवेनाइल ऑफेंडर टू बी सेंट टू अ जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर, जब तक के भाई उसकी सजा मुकम्मल हो या 18 साल का हो जाए जो भी चीज पहले आ जाए, ये एक थ्रेशोल्ड रखा गया है जो ऑर्डर उसके लिए पास करने, जो ऑर्डर नॉट टू बी पास कराए जुवेनाइल कोर्ट वो वही जो जैसे मैंने बताया आपको कि नो पर्सन ओवर द जुवेनाइल अफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस शैल बी अवार्डेड पनिशमेंट ऑफ डेथ, डेथ की सजा कभी भी एक जुवेनाइल ऑफेंडर को नहीं मिलेगी।
howsoever gruesome murder or howsoever gruesome offense he has committed. No juvenile offender shall be committed to prison, ordered to labor, put in saddles, handcuffed, or given any corporal punishment at any time while in custody. जब भी कोई custody, normal हमारे यहाँ क्या होता है कि IOS को अंदाजा नहीं होता juvenile को handcuffed नहीं किया, उसको कभी भी handcuffed नहीं लगे। अगर जे irrespective of कि भाई अगर जे कोई खच्चा है कि वो habitual offender है, previously convict है, भागने का खच्चा है, तब वो कर सकते हैं विद परमिशन ऑफ दी कोर्ट और सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भी हम उसको रख सकते हैं आफ्टर दी अवॉर्डिंग पनिशमेंट. नाउ लास्ट, फीमेल जुवेनाइल. नो फीमेल जुवेनाइल शैल इन एनी सर्कमस्टेंसेस बी अप्रिहेंडेड और इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर, जो नॉर्मली हमारे यहाँ वैसे भी है, और रिलीज ऑन प्रोबेशन और सुपरविजन ऑफ मेल ऑफिसर. A female juvenile should only be kept in a juvenile rehabilitation center, established or certified exclusively for female inmates. जैसे हमारे यहाँ दारुल अमान है, दारुल अमान specially certified है for female person, female inmates. That तो हम उसको वहाँ पे रख सकते हैं. मेरे हिसाब से हमने इसका तकरीबन सेलिंग फीचर जो juvenile justice system act के हैं वो कवर कर दिए हैं. In case any question. मेरे ख्याल में अच्छे से समझाया है, इस वजह से क्वेश्चन नहीं है. सर जुवेनाइल कोर्ट है, सेक्शन फोर है, तो उसमें सर क्लास भी है, उसमें एडवोकेट अपॉइंट होता है. जो एडवोकेट अपॉइंट होगा एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर 7 साल के लिए, मेरे हिसाब से शायद यही आप इसमें yes, वो तो गवर्नमेंट ही कर सकती है ना. सर एक केस में अभी होता था तो जैसा मैं बोला था उसमें आपकी प्रैक्टिस है 7 साल, इस वजह से आप किस तरह सकते हो मैं तो अभी फ्रेश नहीं आया. आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसी चीज उसमें कोई मेंशन है. मैं पढ़ लेता हूँ, एक मिनट मुझे दें. सेक्शन 4 का नहीं देखें, सेक्शन 4 और सेक्शन 3 कहता है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ जुवेनाइल कोर्ट वेयर ही इज और हैज बीन अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट वेस्टेड विद पावर्स अंडर सेक्शन 30 और अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हु हैज एट लीस्ट 10 इयर्स स्टैंडिंग एट बार. वो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए है. हाँ, जहां तक लीगल असिस्टेंस की बात है वो ये कहता है कि उसका अगर लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंट किया जाएगा, अगर से गवर्नमेंट अपॉइंट करती है लीगल प्रैक्टिशनर. अब लीगल प्रैक्टिशनर हम जाएंगे तो ऊपर डिफाइन किया गया है अपना लॉ में. कि भाई जो जब वो अपॉइंट करेंगे किसी को डिफेंड करने के लिए उसके लिए 7 साल रिक्वायरमेंट. बाकी नॉर्मली तो मेरे हिसाब से सबको राइट है, जिसको बार का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिला है ही कैन डिफेंड हिज अकॉर्डिंग. सर जी सर, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट जो ना वो 3 साल तक कन्वेंशन दे सकती है, क्या एडीसी जो है यहाँ पर जहाँ पर एक मेडिकल में बहुत ही अच्छा मशहूर लड़का भी है सिख का, वो भी सर उसके लिए भी सर एडीसी में यहाँ पर एग्जिबिशन होगी, यहाँ पर जुवेनाइल के लिए भी वही जो ना दो एडल्ट के लिए रखी गई, वो क्या एक्सेंशन है क्या या उसको जो ना 3 साल तक की सजा इंडियन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में हमारे यहाँ नहीं है. पहली बार वही कह रहे ठीक है, हम नहीं है यहाँ पर. जब एक उसको राइट उसको ला उसको राइट दे रहा है तो हमारे कानून में ऐसे क्या चीजें हैं. मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, आई एम नॉट द गवर्नमेंट. थैंक यू सर. मैं पुस्तक का रिलेशन भी जो अभी कुछ साल पहले मार्टर केस हुआ था,
छात्र छात्री रक्षा है, तो बेसिकली कंसिडर ये थी कि कम अज कम उनका कम्प्रोमाइज आपस में हो गया था, फिर वो ज्वाइनिंग में भी आ रहा था। तो काई भी आप हमें शेयर कर रहे थे किस वजह से किस बुनियाद में देखे, तो आप श्योर हैं कि वो जो श्योर नहीं है तो सर मेरी कंपनी यही है कि बीच में उसका बीएड का भी जो हुआ हो गया था कम्प्रोमाइज हो गया होगा, तो फिर उसके लिए वो देखें सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली आपसे प्रसाद साहब ने कहा है कि नो कोर्ट शैल अंडरटेन कॉम्प्रोमाइज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। जब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस डिक्लेयर किए गए हैं तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे यहाँ हाईकोर्ट में हमारे यहाँ जजमेंट्स हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आपको कोई भी जजमेंट नहीं मिलेगी जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को कंपाउंडेबल डिक्लेयर करे, पहली बात। दूसरी बात, एटीसी का जो वो था वो स्पेशली नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस था। हाँ, उन्होंने ये कहा है दैट मे बी इट इज एज अ मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस, उसमें हम सजा के तौर पर कम कर सकते हैं, एज ए मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस को देख सकते हैं। जैसे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने देखा कि उसको मिटिगेट कर दिया फ्रॉम डेथ पेनल्टी टू लाइफ, बाकी लॉ जो है वी आर बाउंड बाय द लॉ। सर एक सवाल है कि रिहैबिलिटेशन और ऑब्जर्वेशन सेंटर्स जो बिल्डअप किए गए हैं उनकी और कहाँ पर हम लोकेटेड करते हैं, कुछ सेटिंग है या कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन होम्स जो भी बनाए गए हैं वो सी एस के अंदर ही, क्योंकि इन्वेस्टिगेट भी आईओ वहां करेगा, उसको अरेस्ट करके अप्रीहेंड करके वहीं लाएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन होम भी वहीं उनको बनाने हैं, अनफॉर्चुनेटली के वो बनाए नहीं गए हैं, लेकिन सिंपल एक कमरे के ऊपर हमने लिख दिया है ऑब्जर्वेशन होम, वो गवर्नमेंट का काम होता है फिर उसको चेक करना। और जो रिहेबिलिटेशन सेंटर आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ने सर्टिफाई कर दिए हैं, मेरी जो नॉलेज है मुझे ये पता नहीं कितने की हैं, लेकिन जो पहले से एनजीओ के रस्ता चल रहे थे उनको सर्टिफाई कर दिया है एज ए रिहेबिलिटेशन सेंटर, या वो जो हमारे पास है रिमांड है दैट इज ऑल्सो सर्टिफाइड एज जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर। ऑब्जर्वेशन होम जो है वो होंगे ही इस्तेमाल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। हाँ, जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर है, हम जब उसको कमिट करते हैं प्रिजन में वहां पे जैसे रिमांड होम, आपने शायद रिमांड होम विजिट किया हो ना किया हो, एक पूरा घर का माहौल है वहां पे, एजुकेशन भी दी जाती है वहां, उसको यूनिफॉर्म पहनाई जाती है स्कूल की और उसमें उनकी स्पेशल यूनिफॉर्म है, कोई उनके कपड़े वगैरह उनसे कैदी वाले नहीं होंगे। जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कर सकती है उसको, डिटेन कर सकती है। यस यस, गवर्नमेंट कर सकती है इन केस ऑफ एक्सप्रेस जो है आप देखते। हाँ, गवर्नमेंट के पास पावर है कोई भी ऐसा हो जो है वो सर्टिफाइड कर सकते जो भी एनजीओ का दफ्तर हो, जैसे मैंने कहा। थैंक यू सो मच ऑनरेबल सुश्री मैजेस्टी मुकेश कुमार तलेजा साहब, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, स्पीकर हैं, एमसीक्यूज और जुडिशियल टेस्ट जो हमारा है 20 मार्च 2022 को, उस हवाले से स्पीकर कुछ ज्यादा डीवे करना चाहते हैं स्पेशल ऑफ से, तो क्वेश्चन काइंडली वो पूछें जो रिलेटेड टू सब्जेक्ट हो, जनरल क्वेश्चन से अवॉइड करें ताकि टाइम हमारा सिक्योर सेफ हो सके। नाउ आई मे रिक्वेस्ट द फॉर्मर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑनरेबल गेस्ट स्पीकर राहिल शमशान साहब फॉर नेक्स्ट स्लाइड। का जो प्रैक्टिस चलती है वो आगे भी चलती रहे।
सो माई फोकस वुड बी माई एक्सपीरियंसेस, जो मैंने किस तरीके से सिविल जज की तैयारी की थी, थोड़ा सा ओवरव्यू, क्योंकि मुझे सीपीसी का सब्जेक्ट दिया गया था, उसका मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा। इम्पोर्टेंट सेक्शन जो मुझे लगते हैं कि वो आ सकते हैं फ्रॉम द लास्ट 5-10 ईयर्स जो रिपीट हुए हैं। एंड सो नाउ सर, मेरा जो एक्सपीरियंस था, माय प्रिपरेशन एक्सपीरियंस, वहां से शुरू करते हैं। सो माय प्रिपरेशन टाइम वाज 4 मंथ्स। जब मैं अपना सिविल जज का टेस्ट अटेंड कर रहा था, आई वॉज हैविंग 4 ईयर्स ऑफ माई लीगल प्रैक्टिस, उसकी एक्सपीरियंस था मुझे। मैंने ग्रुप स्टडी नहीं की, मैंने आइसोलेशन में स्टडी की थी, और तो डिस्कशन होती थी, लेकिन जो अगर प्रैक्टिस, अगर आपको तैयारी करनी है और आप सीरियस हैं और आपको याद भी वही चीज रहेगी, वो कोर्स रहेगा जो आप आइसोलेशन में पढ़ेंगे। अच्छा, नोट्स मैंने ये किया था कि जो नोट्स होते थे वो बहुत सारे गाइड्स से मिलाकर मैंने सवाल जवाब बनाए थे जो इम्पोर्टेंट थे, स्पेशली 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के, और उनको मैं एक जगह में अपने नोट्स बना लिए थे अपनी हैंड राइटिंग से, और फिर मैं उन्हीं को पढ़ता था। अब तक इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन था, मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आई डोंट नो, बट मेरा ये एक्सपीरियंस होता था कि जब भी आप पेपर में बैठते हैं, अगर आप एक गाइड से, एक नोट से पढ़ते हैं, तो आपको वही चीज रिफ्लेक्ट हो रही होती है, आपको वो राइटिंग रिफ्लेक्ट हो रही होती है, आपको उस कलर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, ताकि आप रीमेमोराइज कर सकते हैं उस चीज। अगर आप बहुत सारे नोट्स और डिफरेंट गाइड से पढ़ेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। तो एक कोशिश करें पहले तो ये अपने रिसर्च पूरी कर लें कि कौन से नोट्स बेहतर है, या फिर आप अपने नोट्स बना लें और एक किसी राइटर या ऑथर को या किसी गाइड को चुन लें और उससे तैयारी करें। बट आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि किसी एक नोट से तैयार करें। लास्ट 10 ईयर्स एग्जाम पेपर्स को मैंने थोरोली कंप्लीट किया था। फ्लैश कार्ड्स मैंने बना लिए थे। फ्लैश कार्ड ये होते हैं, आप कार्ड रखते हैं, आप किसी ऑर्डर्स को जो आप मेमोराइज करने के लिए आपको याद करते हैं। हम बस में भी ट्रेवल करते थे तो हम फ्लैश कार्ड को देख रहे थे, ऑर्डर 1 क्या कहता है, पीछे उसका जवाब होता था, तो उससे वर्ड मीनिंग फ्लैश कार्ड के जरिए हम जो मेमोराइजेशन वाले ऑर्डर्स हैं, सेक्शन हैं, उसको फ्लैश कार्ड में करते थे। न्यूज़पेपर लास्ट 6 मंथ्स जो एमसीक्यूज का हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन है, उसमें डॉन न्यूज़पेपर लास्ट 6 मंथ्स के हमने फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द टेस्ट। अच्छा, ये बहुत जरूरी है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब एडवर्टीजमेंट आई थी 2019 वाली उसकी, तो परहैप्स या उसके बाद आपका एमसीक्यूज का पेपर या सब्जेक्टिव पेपर ऑलमोस्ट बन चुका हो, तो आपको करंट अफेयर्स लास्ट 3 ईयर्स के अपने मेमोरी में रखने हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। हो सकता है कि ये लोग इन्होंने चेंज किया हो आफ्टर 2.5 ईयर्स, क्योंकि 2.5 ईयर्स के बाद ये अनाउंस हुए हैं इसकी एलिजिबिलिटी, बट आपका अभी वाइटल स्कोप हो गया है करंट अफेयर्स के हवाले से, 2-3 साल का आपको नॉलेज। अच्छा, कितने घंटे हम पढ़ते थे, तो अगर मैं 4 मंथ्स की प्रिपरेशन की थी तो 4 घंटे हम दिन में इस टेस्ट के लिए देते। अब तो लास्ट टाइम है, इसलिए यू कैन ओनली रिवाइज इट। मैं उम्मीद करता हूँ जो कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठे हैं सिविल जज के, वो आज की तारीख में दे शुड बी एटलीस्ट 60-70% प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, वरना लेट हो गया। अच्छा, रेलिवेंट फोरम्स जो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, उसमें अगर कोई नोट शेयर हो रहे हैं तो उनको, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते। अच्छा, सिविल जज के एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है, वैसे तो सबको पता होगा, जस्ट टू रिवाइज इट।
तो 25% आपका जो पेपर आता है इंस्टीट्यूट का, उसमें 25% इंग्लिश के सवाल होंगे, 25 होंगे जनरल नॉलेज के सवाल, और रेस्ट 50% होंगे लॉ के सवाल। तो आप इसमें जो ट्रिक है वो यही है कि आप अपना जो 50% अपना लॉ का है वो आपको पता है, स्पेसिफिक बुक्स हैं उसको पढ़ते जाना है। और अगर कोई ये कहता है कि एमसीक्यूज में ज्यादा आपको रट्टा फिक्सेशन की नीड नहीं है, परहेज इट्स रॉन्ग। एमसीक्यूज में आपको रट्टे लगाने होंगे क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ऑर्डर्स, सेक्शंस एंड एवरीथिंग। तो एमसीक्यू सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा। अब दो चीजें, रेस्ट ऑफ द सेक्शन जो होते हैं 25% जनरल नॉलेज, 25% इंग्लिश। 25% इंग्लिश थोड़ा सा ट्रिकी है, वो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, ठीक है। 25% जनरल नॉलेज में मैं आपको बता दूंगा कि किस किस सेक्शन के हवाले से जनरल नॉलेज में पेपर सवाल आ जाते हैं, वो स्पेसिफिक है, वो हमेशा वही रिपीट होते हैं, उस फॉर्मेट से बाहर नहीं गई है हाल। अच्छा, जब पास करता है एक कैंडिडेट 50% से ज्यादा, ही गेट्स एलिजिबल फॉर द सब्जेक्टिव, एंड देन सब्जेक्टिव में जो मेरिट लिस्ट रखती है उसके बाद है इंटरव्यू के लिए ही गेट्स क्वालिफाई। एमसीक्यूज 25% जो इंग्लिश सेक्शन होगा वो किस सवालात में मुश्तमिल होगा, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वो प्रिसी राइटिंग होगी, आप पैराग्राफ्स होगा उस हवाले से आपको सवाल जवाब आएंगे, इस हवाले से आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए एंड यू शुड फोकस होके उस पैराग्राफ को पढ़कर उसके बाद जो सवाल जवाब होंगे यू नीड टू टेक द रेलेवेंट आंसर। इडियम्स आ सकते हैं, साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, ये आप जो लास्ट 10-20 ईयर्स के जो पेपर हैं उसमें से आप इनके गोल को चूज द बेस्ट मीनिंग, दो तीन रेलिवेंट मीनिंग्स एक ही वर्ड की देखनी होगी, उसमें से बेस्ट मीनिंग आपको सेलेक्ट करनी होगी। कुछ आईएलटीएस बुक्स से मैंने तैयारी की थी, तो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग अगर टाइम है अभी तो आप लोग उसको भी गो थ्रू कर लें, स्पेशली द वर्ड्स जो एंटोनियम्स। कंप्लीट द सेंटेंसेस आता है, प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन वो होते हैं जो लिंक करते हैं सेंटेंसेस को, वर्ड मीनिंग्स एंड वर्ड रिलेशनशिप्स, दीज आर द पोर्शन जिससे इंग्लिश का टेस्ट आता है, इससे बाहर कभी की हाईकोर्ट नहीं गई। तो वी नो नाउ कि किसी किस्म के क्वेश्चन आ गए हैं। अच्छा, 25% जनरल नॉलेज, अब इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या चीजें आप कर सकते हैं, अब तो देखें 6-7 दिन बाकी है, बट जस्ट टू रिवाइज इट, लास्ट 6 मंथ्स के इंग्लिश न्यूज पेपर, नॉन न्यूज पेपर है, वर्ल्ड कप एंड पाकिस्तान रिलेटेड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड कप कब जीता था, लास्ट वर्ल्ड कप कब हुआ है, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्टोरिकल डेट्स एंड ईयर्स, हिस्टोरिकल डेट्स एंड ईयर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस हिस्टोरिकल डेट्स भी, और जितने इकोनॉमिकल डेट्स हैं वो सारे। COVID-19 क्योंकि रेलिवेंट था, अगर ये 2 साल पहले ना बना हुआ, 2 साल पहले भी अगर पेपर आपका बना है तो COVID-19 इज रेलिवेंट, पहला केस कहाँ किस कंट्री में आया, कौन से मंथ में आया, पाकिस्तान में कब डिटेक्ट हुआ और कितनी डेथ ओवरऑल वर्ल्ड में हो चुकी, दीज क्वेश्चन आर रेलिवेंट। यूनाइटेड नेशन एंड ICT के हवाले से लास्ट 5-10 ईयर्स पेपर में काफी क्वेश्चन आए हैं, तो उसको गो थ्रू कर लें। प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जितने भी थे, पहला प्रेसिडेंट कौन था, लास्ट प्रेसिडेंट कौन है, CPAC इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड नेम्स, फर्स्ट पर्सनैलिटीज क्वेश्चन, पहला सदर कौन था, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, पहला यूनाइटेड नेशंस का प्रेसिडेंट कौन था, दीज आर इंपॉर्टेंट फर्स्ट पर्सनैलिटीज जो क्वेश्चन। रीसेंट बिल्स एंड ऑर्डिनेंस, जो रीसेंट बिल्स आए हुए हैं, ऑर्डिनेंस आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, दैट आर इंपॉर्टेंट, दैट आर रेलिवेंट। साइंस कॉलेज, अगर साइंस में दो मेन सब्जेक्ट्स के हवाले से लाजमी क्वेश्चन आते हैं, सोलर सिस्टम के हवाले से और नोबेल प्राइजेस के हवाले, इस हवाले से लाजमी क्वेश्चन आते हैं, द डिस्टेंस, स्टार्स,
लागेंट्स इस हवाले से लास्ट एक दो क्वेश्चन आपका रेलेवेंट बनेगा, अगर उसको आप प्रूव कर लेंगे लास्ट 10 इयर्स में से तो यू विल गेट नेचर ओशन पीक्स रिवर्स माउंटेन्स इस हवाले से लास्ट क्वेश्चन आते हैं, रेवेन्यू टर्म्स के हवाले से भी क्वेश्चन आते हैं, खाता ये सारे जितने भी जो रेलेवेंट रेवेन्यू टर्म्स हैं उसमें से भी नेक्स्ट आई है, हमने लास्ट 5 इयर्स 10 इयर्स में देखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल्स कौन से हैं, हाईकोर्ट के पावर्स कौन से हैं, प्रेसिडेंट के पावर्स कौन से हैं, उस हवाले से आर्टिकल्स के हवाले से क्वेश्चन आए हैं। इस्लामिक हिस्ट्री एंड रिलीजन इस हवाले से क्वेश्चन आए हैं, आप लास्ट 10 इयर्स में देख सकते हैं कौन कौन से उसमें रिपीट हुए हैं। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूँ, गाइड सबके पास है लेकिन इसी के अराउंड सब घूम रहा है, इन्हीं के हवाले से क्वेश्चन आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टडीज में जितने भी पाकिस्तान के हवाले से हिस्ट्री है अच्छा 50% तो हो गया जनरल नॉलेज में साइंस और सारा जो करंट अफेयर्स के हवाले से, अब नेक्स्ट 50% आ जाता है लॉ। अब लॉ में क्या क्या जो सीधा चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बुक्स जो बुक्स मैंने लिखी है तो एक्ट की जो प्रोमुलगेशन ईयर्स होते हैं दैट आर इंपॉर्टेंट, 1898 सीआरपीसी 1908 सीपीसी, ये जो ईयर्स ऑफ प्रोमुलगेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं पूछे जाते हैं। नेम नेम जो इम्पोर्टेंट हमारे जो लॉज हैं उनके इम्पोर्टेंट सेक्शन आर्टिकल्स वो आप और कोई तरीका नहीं है, ओनली इम्पोर्टेंट सेक्शन एंड आर्टिकल्स आर जो लास्ट 10 इयर्स में रखी हुई लिमिटेशन के जो सेक्शन हैं नेम नेम अपील्स के जो लिमिटेशन के सेक्शन आर्टिकल्स हैं रिव्यू रिविजन क्रिमिनल सिविल फैमिली फैमिली अपील किस आर्टिकल के तहत वो किस सेक्शन के तहत अपीलेबल है सिविल अपील क्रिमिनल अपील फिर उसकी रेलिवेंसी लिमिटेशन से क्या है ये सारे आर्टिकल्स आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जो मेन मेन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट है, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट और सारे वो सारे कानून शहादत में माय लर्नेड फ्रेंड वुड डिस्कस इट उसमें से भी काफी आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। क्या किसी सीपीसी कॉन्ट्रैक्ट है फैमिली लॉज स्पेसिफिक रिलीफ है और स्पेशल लॉज, अच्छा स्पेशल लॉज को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है लेकिन इस हवाले से भी जितने भी स्पेशल लॉज हैं मैंने आगे मेंशन किए हैं उनको आप अपनी तैयारी के उसमें जुमले में लाएं क्योंकि जो स्पेशल लॉज है मेनली लोग ये समझते हैं कि जो मेन हमारी बुक्स हैं उसी से सवाल आएंगे, अक्सर स्पेशल लॉज को भी डिस्कस किया जाता है जैसे मुकेश साहब है डिस्कस अबाउट द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम चाहे मैरिज स्टेट एक्ट ओथ एक्ट बहुत सारे स्पेशल लॉज हैं जो और तो प्रैक्टिस में रेलिवेंट है लेकिन पूछे जाते हैं। होपफुली अगर एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के तो एनआईटी हो जाए तो देखिए एमसीक्यूज मेनली फिल्टर आउट करना होता है तो बिल्कुल ही लाइक लीज इंटरेस्टेड अगर बट आई वुड से उनका टेंशन होता है ठीक है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एमसीक्यूज बेसिकली बोलिए असल आता है सब्जेक्टिव में अब सब्जेक्टिव में बिकॉज हम ओवरऑल तैयारी की बात करें तो आई वुड जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंसेस मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था डिटेल में तो हम नेक्स्ट
कल के सेशन में भी बात कर सकते हैं या फिर अगर दोबारा सेशन रखती है के लिए कि सब्जेक्टिव को किस तरीके से डिटेल में किया जाए. जस्ट व्हाट आई डिड वाज हेडिंग्स, हमने मैंने जिस तरीके से अटेंड किया था हमने हेडिंग्स लिखी थी. हमने उसका अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो उसमें रेलिवेंट प्रोविजन लिखना जरूरी है. इफ यू रिमेंबर बेटर कि अगर आप उसमें अनश्योर हैं तो डोंट मेंशन इट एट ऑल. उसकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, मार्किंग हो सकती है, लेकिन इफ यू रिमेंबर इट रेलिवेंट प्रोविजन की हेडिंग डालकर एंड कंक्लूजन. अच्छा, इसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि रेलिवेंट प्रोविजन, डिस्क्रिप्शन एंड कंक्लूजन, इस तरीके से जवाब को अटेम्प्ट करना है. जैसे हम हमारे कलीग्स ने जो सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने भी ऐसे अटेम्प्ट किया. द कलर ऑफ द हेडिंग्स कैन बी चेंज फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. आप ब्लैक से हेडिंग्स बना सकते हैं, ब्लू से यू कैन बॉल करते हैं. ऑल पार्ट ऑफ क्वेश्चन शुड बी आंसर इन द गिवन आंसर. एक सवाल में तीन चार चीजें पूछी जाती है. व्हाट इज चार, उसका रेलिवेंट प्रोविजन क्या है, किस किस टाइम पे हो सकता है, अमेंडमेंट कब कब हो सकती है. अगर आपके जवाब में आप 10 पेज का जवाब दे दें लेकिन उसमें सिर्फ चार्ज की डेफिनेशन ही आपने लिखी है तो आपके नंबर कट जाएंगे. आपसे इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन है इस डेट कि आपसे चार चीजें पूछनी है. आपसे चार चीजें पूछी तो उन चारों चीजों का जवाब उस आंसर में होना चाहिए. यू कैन बी प्रिसाइज, लेकिन इफ यू अगर आपने उन सारी रेलिवेंट चीजों का जवाब दे दिया तब जाके आपका जवाब कंप्लीट है. द लाइन द लाइन मेंशन इन द प्रोविजन शुड बी पार्ट ऑफ द आंसर. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो जो कह रहे हैं ना, हमें समझ के पढ़ तैयारी करनी चाहिए. जो प्रोविजन है उसके तो अंदर का जो वो मेन डेफिनेशन है वो इतने रेलिवेंट नहीं है. मेरा एक लाइव एक्सपीरियंस है, जब मैं इंटरव्यू में था तो इरफान सागर साहब एक्चुअली आज नहीं कि उस प्रोविजन में क्या लिखा है वो बताया. वो मैं आगे जाकर आपसे शेयर करूंगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो प्रोविजन की जो लैंग्वेज है दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर. आप अपनी समझ से अपने लफ्जों में तो आप लिख लें, लेकिन जो मेन मेन इंपॉर्टेंट अगर उसमें कुछ सीधा सीधा बातें लिखी है दैट शुड कम इन योर आंसर. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर देखा जाता है कि जो सब्जेक्टिव पेपर अटेंड होते हैं उसमें शुरू के जो आंसर की हैंडराइटिंग होती है वो पिकासो वाली होती है और जो आखिरी आंसर जो अटेंड हो रहा होता है वो डॉक्टर वाली राइटिंग से हो रहा है. तो उसका रीजन ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होती और आखिरी में जब टाइम निकल रहा होता है तो जल्दी जल्दी लोग जवाब दे रहे होते हैं बिकॉज एग्जामिनर आके आपसे पेपर ले रहा होता है. दैट शोज और एक चेकर को समझ, जो चेक कर रहा होता है उसको समझ आ जाता है कि ही डिडंट प्रिपेयर वेल, उसने अपनी टाइम मैनेजमेंट नहीं की. इसका एक ही हल, इसका हल क्या है, अभी भी सब्जेक्टिव के टेस्ट में टाइम बाकी है. किसी भी लास्ट 10 ईयर्स का जो 5 ईयर्स है, लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर है उसमें से आप एक पेपर बनाते जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और घर पे या फिर एक ग्रुप बनकर ट्राई टू अटेम्प्ट द टेस्ट बाय पुटिंग अ ब्लॉग इन योर रूम. दो तीन घंटे का टाइम होता है तो उस टाइम को देखकर जिस तरीके से सवाल आते हैं ट्राई वन एक बना सर अटेम्प्ट करें, उसमें से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. रिटन टेस्ट लोग पूछते हैं कि रिटन टेस्ट निकालने का क्या गुण क्या है, उसका एक ही तरीका है कि आप टेस्ट दें. एकेडमीज सक्सेसफुल इसलिए होती हैं कि एकेडमीज आपसे टेस्ट करवाती रहती है बार बार उसी टाइम में, और इंडिविजुअल स्टडीज इसलिए कभी कभार फेल हो जाती है क्योंकि वो अपने आप को टेस्ट नहीं करते. क्वेश्चन शुड बी राइट केयरफुली. अच्छा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बाद उसमें मैं दोबारा आऊंगा कि जो एमसीक्यूज के शुरू में इंस्ट्रक्शंस दी होती है ऐसी कोई गलती नहीं करके आ जाएगा जिनसे आपको जिंदगी भर रिग्रेट हो. जैसा कि अगर हम कभी इलेक्शन में भी वोटिंग में भी कर देते हैं कि 4 लोगों को वोट देना है तो 10 लोगों को देकर आ गए, वोटिंग कैंसिल हो गया, तो कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, टिक नहीं करना है, सर्कल करना है, जो भी स्पेशल रूल दी हो, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं,
द इंस्ट्रक्शंस टू बी रेड केयरफुली और उसी तरीके से अटेम्प्ट करना। अच्छा, एक और अटेम्प्ट की बात मुझे याद आई कि एमसीक्यूज का पेपर जब मेरे सामने आता था, दिस इज माय एक्सपीरियंस, आप उसको चाहे तो अडॉप्ट करें। सबसे पहले एमसीक्यूज का पेपर मेरे पास आता था तो सबसे पहले मैं, मुझे जो क्वेश्चन आते हैं मैं उनको कर लेता। अगर 100 क्वेश्चन हैं उसमें से मुझे 50 आते हैं तो 50 पहले मैंने जल्दी से कर लिए, उसके बाद रेस्ट 50% का अगर मैं बैठ जाता था कि ओके ना होगा, चले मैं तो अब क्लियर हो चुका हूँ, 50% मेरे आ चुके हैं, अब आगे मैं आई कैन डू इट। उसमें से भी कुछ 20 ऐसे होंगे जो आपको बाद में याद आ जाएंगे, आप कर लेंगे। अब बचेंगे कोई ऐसे 20 क्वेश्चन जिसका आपको बिल्कुल भी जवाब नहीं आता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यू नीड यू शुड अटेम्प्ट, ठीक है। तो अब उसमें हम एक अपने दोस्तों के जबान में कहते थे इंटेलिजेंट तुक्का, तो वो तुक्के भी काम आ जाते हैं कभी कभी। तो इंटेलिजेंट तुक्का हमारा ऐसे होता था कि अगर चार ऑप्शन दिए गए एमसीक्यूज में, 1, 2, 3 एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव, तो 1, 2, 3 में से ऐसे आंसर होंगे कुछ जिसमें से एक तो ऐसे होंगे जो आप ओवरऑल जब स्टडी करके जाएंगे तो वो रेलिवेंट होंगे ही नहीं उस सवाल से। आप फॉर एग्जाम्पल सिविल कोड की पावर्स का लिखा हुआ है और उसमें ऑप्शन में 561 ए सीआरपीसी लिखा हुआ है, तो आपको इतना तो अंदाजा होगा सीआरपीसी कहां से आ गया सिविल के सवाल में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेंगे दो, उसमें से आप यू कैन हैव अ टुक्का ऑन इट एंड लकीली हाँ अगर उसमें से क्लियर हो गया तो ठीक है। तो दैट्स हाउ ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल, आपका पेपर कभी क्लियर नहीं हो सकता जब तक आपकी हैंड राइटिंग क्लियर नहीं है, सब्जेक्टिव की बात होगी। अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा है आपने लिखा गया है तो फिर वो आपको मार्किंग क्या देगा। तो द मार्क द हैंड राइटिंग शुड बी क्लियर, ब्यूटीफुल नहीं होनी चाहिए, ब्यूटीफुल है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। ये यूज डिफरेंट कलर फॉर हेडिंग एक्सेप्ट रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन को अवॉइड किया जाता है बिकॉज दीज टू कलर्स आर यूज बाय द जुडिशियल ऑफिसर और द ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाईकोर्ट। तो अक्सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी इस पे काफी बंदी की जाती थी जब हम इसको यूज करते थे, तो ट्राई टू यूज ब्लैक कलर इन द हेडिंग्स एंड ऑब्वियसली ब्लू कलर से आप अपना। टेबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब ये था कि कभी डिफरेंसेस पूछ लिए गए आपने रेस कंफ्यूज में डिफरेंस बताया, तो मैंने इस तरीके से अटेम्प्ट किया था। अगेन आई एम सेइंग डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इट्स माय एक्सपीरियंस, अगर आपको वांट टू अडॉप्ट इट और नॉट, मैं टेबल्स बना के डिफरेंसेस लेता हूँ। आप पहले उसको रेस्ट डाटा को लिखकर उसके बाद रेस्ट कंफ्यूज लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे किया था कि हम टेबल्स बना देते थे रेस्ट डाटा रेस्ट कंफ्यूज रेलिवेंट प्रोविजन दोनों के डेफिनेशन यूजेजेस और इस तरीके से। अच्छा, अब हम कितने डिफरेंसेस लिखे हैं तो कंप्लीट आंसर समझ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक 5 नंबर का अगर सवाल है और गिव द डिफरेंशिएशन बिटवीन रेस टू द डाटा एंड रेस सबजुडिस, तो मैं कितने डिफरेंस लिखूं तो मुझे मेरा आंसर कंप्लीट समझा जाए। इसमें मेरा जो आई थिंक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है, अगर आपके पास 5 नंबर का सवाल है तो एटलीस्ट आपको 5 डिफरेंसेस लिखने, अगर 10 नंबर का सवाल है तो तब आपको एटलीस्ट 10 लिखने हैं, अगर मुमकिन नहीं है कि 10 में हम क्या लिखें तो एटलीस्ट मिनिमम 5 आपके पास डिफरेंसेस होने चाहिए 10 नंबर के सवाल में भी। इसका मतलब ये जो इंटेंशन ऑफ द एग्जामिनर है वो ये है कि एक डिफरेंस को 2 नंबर दे रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये सारी ट्रिक्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोग ये कभी कभी शिकायत करते हैं कि तैयारी मैंने भी की थी, तैयारी उसने भी की थी, वो कैसे निकल गए, तो उसके पीछे कोई और कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी। अच्छा, क्योंकि मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया था सीपीसी के हवाले से, हमने
The next speakers are divided the subject. So, CPC के वजह से I will try to be brief as much as I can. कुछ टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने. तो these are the important sections and provisions जो मुझे लगता है कि they can come in MCQs or in the subject question. Degree section 2 rule 2, judgment 2 rule 9 and order 2 rule 14. इस provisions में ये defined है. MCQs में आ सकता है किस प्रोविजन में क्या डिफाइंड है. इनके डिफरेंसेस सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि ऑर्डर क्या है, नॉर्मल एक्सप्रेशन है, जजमेंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टी जो कि ऑर्डर नहीं करता. ऑर्डर बहुत सारे अपीलेबल नहीं है, डिग्री अपीलेबल है. डिग्री में रीजन नहीं होते. डिग्री इज टेकन फ्रॉम द जजमेंट, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द जजमेंट. तो ये सारी बातें पूछी जा सकती है. जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है. जुरिस्डिक्शन को फर्दर डिवाइड किया गया पिक्यूलरी जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. अब जैसे कि हमारे पास सारे 6 करोड़ रुपए रख दिए गए, उस सवाल से सब्जेक्ट मैटर को देखा जाता है कि किस कोर्ट में फाइल होगा. टेरिटोरियल में पुलिस स्टेशन के थ्रू हम डिवाइड किया हुआ है सीनियर सिविल जजेस की कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट. सेक्शन 11 सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है. ऑलमोस्ट एक साल छोड़ के अगले साल ये सवाल आया हर साल. एंड रेस्ट ऑफ द इसको आप बोल के भी जाए और इसमें जो डिफरेंसेस हैं क्या क्या है. जस्ट ऑफ द कार्टा फाइनल डिटर्मिनेशन अगर हो चुकी हो सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर में, दैट इट कैन नॉट बी रीस्टार्ट अगेन थ्रू एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट. में आप स्टे कर देंगे अगर सेम मैटर सेम बिटवीन सेम पार्टी दूसरी कोर्ट में चल रहा है तो ये एप्लीकेशन से आप स्टे कर देंगे. 12-2 इम्पॉर्टेंट है. फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए अगर कोई ऑर्डर और डिग्री ली जाती है देन एप्लीकेशन हैज टू बी मूव. किस फॉरम में? सेम कोर्ट में मूव करनी है. आपको जो फ्रॉड है मिसरिप्रेजेंटेशन है स्पेसिफिकली मैंशन करना है उस एप्लीकेशन में. And this is also an appealable order. Transfer of suit 22-24. एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर के हवाले से बात करता है जो कि ऑनरेबल जिसके ग्राउंड ये है कि अगर किसी को कॉन्फिडेंस हट जाए अपनी कोर्ट से बहुत से और रीजन हो तो उसके थ्रू होता है. 22 इज रिगार्ड टू द जुडिशियल ट्रांसफर. लॉ ऑफ कॉस्ट ये भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत दफा रिपीट हुआ है. सेक्शन 35 डील करता है एक्चुअल कॉस्ट से. 35A डील करता है स्पेशल कॉस्ट से कंपनसेटरी कॉस्ट. दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्चुअल कॉस्ट विनिंग पार्टीज को दी जाती है कि उसका जो लिटिगेशन एक्सपेंस है सारा एक्सपेंस है वो दे. कंपनसेटरी कॉस्ट का स्कोप वाइड है. कंपनसेटरी कॉस्ट मेनली तब दी जाती है जब फॉल्स एंड वेक्सेशियस क्लेम प्रूव हो जाए कि ये झूठा क्लेम लेकर आए थे और मैक्सिमम आईएमआरएस 25,000 तक का फाइन लगा सकती है और कॉस्ट लगा सकती है. सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट 2 महीने का नोटिस देंगे गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करने से पहले. सेक्शन 80 का 79 सेक्शन डील करता है सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट. एलियन एनिमी कैसे सूट फाइल करेगी? सेक्शन 83 में दिया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन से. पहले तो वो रह रहा हो तो फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन से. दूसरा ये कि फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन से वो सूट फाइल. फॉरेन जजमेंट की रेलिवेंसी ये भी बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है सवाल. ये सारे वो सवाल है जो लास्ट 10 ईयर्स से लिए गए हैं जो रिपीट हुए. सेक्शन 30 डील करता है फॉरेन जजमेंट में रेस्टिटी काटा अप्लाई होता है. इफ दैट कंट्री इज अंडर द कन्वेंशन विद पाकिस्तान वहां सेम पार्टीज में सेम इशू पे अगर एक फैसला हो चुका है तो वो जजमेंट यहां पे एज ए रेफ्यूजी काटा अप्लाई हो सकती है. कॉन्सेंट डिग्री ऑर्डर 23 रूल 3 कॉन्सेंट डिग्री किस किस तरीके से ली जा सकती है कॉम्प्रोमाइज करकर. क्या वो अपीलेबल होती है कि नहीं होती? नहीं होती. होती है तो किस एक्सेप्शन के थ्रू होती है कि थ्रू फ्रॉड अगर ली गई हो उसकी कुछ टर्म्स है वो ब्रीच कर रहे हैं तो अपीलेबल हो सकती है. वो पूरा का पूरा आपको गो थ्रू करना है. बट दिस इज इम्पोर्टेंट.
अटैचमेंट ऑर्डर 8 रूल ऑर्डर 8 रूल 38 रूल 5 में किस तरीके से अटैचमेंट होगी, किन ग्राउंड्स पे होगी, अगर प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ होने का खतरा है, डैमेज होने का खतरा है, वो प्रूफ करना होता है ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द केस, वो सारे उसमें प्रोविजन है। फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनके ग्राउंड्स क्या क्या है। फर्स्ट अपील 96 में होती है, किन किन बुनियाद पे हो सकती है, इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज ऑफ लॉ पे फर्स्ट अपील हो सकती है। सेकेंड अपील सिर्फ इश्यूज ऑफ लॉ पे हो सकती है, इश्यूज ऑफ फैक्ट को डिस्करेज किया गया। और देखें, अच्छा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि आप लोग एक तरीके से लकी भी हैं कि जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था, आई नो इसमें वो भी कैंडिडेट बैठे हैं जिनको नेक्स्ट ईयर अटेंड करने की ख्वाहिश है, जिन्होंने फॉर्म भरा था तो एटलीस्ट उनका 2-2.5 साल का बोर्ड का एक्सपीरियंस हो गए। अगर 2019 में ही पेपर हो जाते थे, किसी भी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखना चाहिए। और तो बहुत सफर किया लोगों ने 2-2.5 साल वेट करके, लेकिन इससे अच्छी चीज ये होगी कि 2-2.5 साल की उनकी प्रैक्टिस हो जो घर पे नहीं बैठे तो। और ये आप लोगों को अंदाजा होगा इंटरव्यू तक पहुंचते तक, इंशाल्लाह अगर आप पहुंचेंगे कि इंटरव्यू में प्रैक्टिस बहुत काम आती है। तो फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील किस ग्राउंड पे होती है, पावर ऑफ रिव्यू 114 रिव्यू किस किस बात पे हो सकता है, फैक्चुअल एरर हो एट द सर्फेस ऑफ द जजमेंट आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। इस बात को भी रिव्यू फाइल कर सकते हैं कि एक डिक्टम तय हो गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स अगर ऑर्डर पास कर दिया है जज ने तो यू कैन फाइल द रिव्यू एंड एक्चुअली उसको करेक्ट करवा सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ द कोर्ट फीस 149-148 आमतौर पर प्रैक्टिस में होता है कि कोर्ट फीस जमा नहीं करवा पाते तो विद द सूट आप 149 की एप्लीकेशन देते हैं और एक टाइम आपको दे देती है कोर्ट कि इस तारीख तक अपनी कोर्ट फीस जमा करा देना, आई एम वाला एडवेंटेज विद अ कंडीशन की इस तारीख तक आप जमा करा देते। फिर वो तारीख जब आ जाए फर्दर आपको टाइम चाहिए तो देन आप 148 की एप्लीकेशन मूव करते हैं तो एक्सटेंड होता है। उसके बाद यू विल नॉट बी गिवन टाइम, उसमें फिर आप 7-11 को ट्रैक कर देंगे। फ्रेम ऑफ सूट बहुत जरूरी है, किस तरीके से फ्रेम होगा सूट, सेक्शन 2 ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके प्लेन में पूरा का पूरा रिलीफ मेंशन होना चाहिए। आप बाद में फॉर एग्जाम्पल आज मैं ये कहता हूं कि मेरे घर के ऊपर कब्जा हो गया है और टाइटल का भी डिस्प्यूट है तो मैं टाइटल के डिस्प्यूट के हवाले से केस करता हूं, कब्जा नहीं मांगता हूं, मेरे प्लेन में कब्जे का नहीं जिक्र है, मैं वो केस चलाता हूं आगे जाके जीत जाता हूं या मीन वाइज केस के दौरान मुझे याद आता है कि भाई मैं तो कब्जा नहीं मांग रहा। आप ऑर्डर 2 से अट्रैक्ट हो जाएंगे और बात हो जाएंगे कि आपको अपने क्लेम में पूरा का पूरा रिलीफ मांगना है जो आपको उस वक्त सूट दाखिल करते हुए आपको मांगना था कोर्ट से। इसमें आप डिफरेंट साइटेशन आ चुकी हैं कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो क्योंकि जजमेंट्स ऐसी भी आ चुकी हैं कि पूरे के पूरे लॉ के बरक्स भी कभी कभी जजमेंट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस में तो ऐसा भी होता है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिसिंग वकील है आपको स्टे लिमिटेड टू द लॉ, जो कि एक जो सिविल जज की तैयारी है एक लॉ ग्रेजुएट करता है उसी हवाले से ट्राई टू कम बैक टू दैट टाइम और उसी हवाले से आपको तैयारी करनी होगी क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस में जितना घुसेंगे तो हर चीज का कोड हमें केस लॉ में मिल जाता है। तो ट्राई टू लिमिट योर सेल्फ टू द बुक्स ऑफ लॉ, जो उसमें लिखा हुआ है वही सही है वही आपको मेंशन करना है, वरना आप जवाब देते हुए भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसमें तो ये जजमेंट भी मौजूद थी वो जजमेंट भी मौजूद थी, तो ट्राई टू लिमिट योर सेल्फ। नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज ऑर्डर 1 रूल 10 में नेसेसरी पार्टीज कौन सी है, प्रॉपर पार्टीज कौन सी है, ऐसे पार्टीज के बगैर जजमेंट नहीं हो सकती, प्रॉपर पार्टी जो एडजुडिकेशन के लिए जरूरी है, लेंथ एंड कॉन्टेंट्स ऑर्डर 7 में लिखे हैं, ग्राउंड्स ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, जजमेंट सही नहीं है, फैक्चुअल इश्यूज ऑफ फैक्ट को डिस्कस नहीं किया गया, इश्यूज ऑफ लॉ को डिस्कस
पावर ऑफ रिविजन किसके पास है, क्या उसी कोर्ट में रिविजन फाइल हो सकती है या अपीलेट कोर्ट में फाइल होगी, अपीलेट कोर्ट में फाइल होगी, क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं रिविजन के, कौन कौन से ऑर्डर रिविजेबल है, कौन कौन से ऑर्डर अपीलेबल है, अपील अगर मेंटेनेबल है तो क्या रिविजन मेंटेनेबल हो सकती है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, नहीं हो सकता। मोड ऑफ समन, ऑर्डर फाइल में ये जिक्र है, ऑर्डर फाइल में समन का, ऑर्डर फाइल 20 डील करता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस को, जो हम ऑब्लिगेशन करवाते हैं, और टेस्टिंग को रूल 17 डील करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोड, जो सीपीसी में एक्सप्रेस प्रोविजन दिए गए हैं, जो पावर कोड को दी गई है, इसके अलावा अगर कोई पावर यूज करनी है कोर्ट को, तो थ्रू 151 की एप्लीकेशन हम लगाते हैं कि आप अपनी इनहेरेंट पावर यूज करें, और उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस प्रोविजन अगर नहीं है कोई, और अगर आपको कोई पावर यूज करवानी है कोर्ट से, देन 151 की एप्लीकेशन। सिमिलर टू द 561A पावर ऑफ द रिटन स्टेटमेंट इज एसेंशियल, ऑर्डर 8 रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ क्लेम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी आता है, रिजेक्शन किस किस बुनियाद पे होगा, रिटर्न किस किस बुनियाद पे होगा, जो रिजेक्शन नहीं है, जो वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यू है, ये सारी बुनियाद पर रिजेक्शन है। रिटर्न में ये है कि उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन ही नहीं है सुनने की, उस बात पे क्लेम आपका रिटर्न हो सकता है। ऑर्डर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं और कैसे फ्रेम होगा इशू, प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज, प्लेन और रिटर्न स्टेटमेंट से बीच में जो अगर जो वजह तनाजा है उनको आप उससे इशूज फ्रेम होती है, होते हैं दो बुनियाद, इशूज ऑफ फैक्ट्स, इशूज ऑफ लॉ, दोनों बुनियाद पे कोर्ट इशूज फ्रेम करती है, फैक्चुअल पोजिशन पे भी, कॉन्ट्रोवर्सीज पे भी और लॉज पे भी। जैसे हम करते थे वेदर द सूट इज मेंटेनेबल, वेदर द प्लेंटिफ इसका हक ये है, व्हाट शुड द डिग्री बी, ये पूरा इस तरीके से आप इशूज फ्रेम है। अमेंडमेंट ऑफ इशूज ऑर्डर 14 रूल 5 में, अगर आपको लगता है कि अच्छा ये काम किसका है, पार्टीज का काम है, कोर्ट का काम है, ये बेसिकली कोर्ट का काम है इशूज फ्रेम करने का, आप प्रपोज इशूज देते हैं बट कोर्ट इज बाउंड टू फ्रेम द इशूज। टेम्पररी इंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किस ग्राउंड पे दिए जाएंगे, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इररिपेरेबल लॉस, तीसरा भी है किस, वो तीन ग्राउंड पे आप टेम्पररी इंजंक्शन क्लेम कर सकते हैं, किस बुनियाद पे ऑर्डर 39 रूल 4 में के किस तरीके से आप उसको रिवोक करवा सकते हैं, जो इंटरिम ऑर्डर आपको होता है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। पॉपर, पॉपर भी काफी दफा रिपीट हुआ है सवाल, किस तरीके से पॉपर अपाइंड होगा सूट के साथ, पहले एप्लीकेशन देगा, पहले प्रूफ करेगा ही इज अ पॉपर अपने विटनेसेस पेश करके, अगर वो प्रॉपर पहले डिसाइड हो जाता है देन उसकी कोर्ट फीस माफ होगी, देन द सूट विल बी इंस्टीट्यूट, फिर फर्दर को चलेगा। अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग, ये सवाल उससे पूछा गया था मां का सामने इंटरव्यू में, 6 रूल 17 और 6 रूल 16, पर 6 रूल 16 था जिसमें मुझसे पूछा गया था कि आप अपनी प्लीडिंग को अमेंड कर सकते हैं, क्या आप अदर साइड की प्लीडिंग अमेंड कर सकते हैं अपने केस में, एक केस फाइल हो मैंने क्लेम दाखिल किया मुझे अपने प्लीडिंग्स को अमेंड करना है, तो ठीक है सिंपल प्रोसीजर है 6217 का। अब आप ये चाहते हैं कि आप जो डिफेंडेंट है उसकी प्लीडिंग को अमेंड करना है आप, तो उसका भी पावर दी गई है 6216 में, उसकी लिमिटेड स्कोप है उसमें, कोई उसमें दो बातें, कोई ऐसी चीज जो अब्यूजिव लिखी गई हो आपके खिलाफ, दूसरी चीज स्कैंडलस लिखी गई, तो आप कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है कि आप इनकी प्लीडिंग में से भी ये चीज हटवाएं बिकॉज दिस इज स्कैंडलस। अच्छा आप मेरे से जो एक्सपीरियंस हुआ था इंटरव्यू में, मुझसे पूछा गया कि दूसरी आप प्लीडिंग को अमेंड करवा सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल करा सकते हैं। अब ये जो स्कैंडलस वाला वर्ड है ये लॉ में कुछ प्रोविजन में लिखा ये मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैं उनको बार बार कह रहा था कि
अब्यूसिव अगर कोई हो तो नहीं, टेल मी द प्रॉपर वर्ड जो प्रोविजन में लिखा हुआ है। तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो मेन मेन वर्ड्स हैं जो प्रोविजन लिखे हैं वो आपको याद रखना है। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिसमें प्लेंटिव अपीयर होता हो, डिफेंडेंट अपीयर ना होता हो, तो 9 रूल 6 में एक्स पार्टी डिग्री होता है। 9 रूल 3 में जो हम एज अ मैजिस्ट्रेट को बड़ा, क्योंकि हमें तो डिस्पोजल मिल जाता है, अगर दोनों पार्टीज नहीं अपीयर हो रही हो, नन ऑफ द पार्टीज अपीयर फॉर द 3-4 डेज कंसेक्यूटिवली, वो कोर्ट के पास आता है कि कितना चांस देती है, तो आप जिसमें से डिफॉल्ट कर सकते हैं। आप 9 रूल 13 में रेलेटिव दी गई है, अगर ये दो चीजें आपके खिलाफ ऑर्डर कर देती है कोर्ट, तो 9 रूल 13 की एप्लीकेशन आप लेके जाएंगे कोर्ट में कि मुझे तो समझ ही नहीं मिले, मुझे तो पता ही नहीं था कोर्ट का, उसमें डिफरेंट रीजन उसमें सीबीसी में है, एंड देन यू विल कम और फिर आपको परमिशन देगी कोर्ट आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह। सूट अगेंस्ट द माइनर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आ रहा है। 32 एक माइनर कैसे सूट दाखिल कर सकता है, जैसे लॉ में लिखा हुआ थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड दाखिल कर सकता है, थ्रू गार्डियन कर सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड दाखिल करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, नेक्स्ट फ्रेंड बन जाएगा माइनर के बिहाफ पे, थ्रू दाखिल कर देगा, अनलेस कोई कॉन्ट्ररी प्रूफ करे सामने वाली पार्टी या खुद। गार्डियन के लिए उसके पास गार्डियन, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि ही इज द गार्डियन थ्रू पार्टी बाय द कोर्ट, और वो ब्लड रिलेटेड है तो वो एज अ गार्डियन प्रूफ फाइल कर सकता है। अगेंस्ट द माइनर, माइनर में आप उस माइनर को पार्टी बनाएंगे, थ्रू गार्डियन आप उसको सू करेंगे। अब जब हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या माइनर के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है थ्रू कोर्ट, माइनर के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अनलेस स्पेसिफिक परमिशन इज गिवन बाय द कोर्ट। उसके लिए लीव आपको एक अलग से एप्लीकेशन देनी होती है कोर्ट को, कि वो परमिशन देगी तो कोर्ट परमिशन देगी देन कॉम्प्रोमाइज कैन रिसीवर। और 40 में लिखा गया है किस बात पे रिसीवर अपॉइंट होगा, किस बात पे रिसीवर अपॉइंट होगा, जब प्रॉपर्टी खराब हो रही हो, जल्दी से डिस्पोज ऑफ होने वाली हो, तो कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर देती है। और उसके कुछ पावर दिए हैं कि अगर उसका कोई डेट आ रहा है वो कलेक्ट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसकी ऑब्लिगेशन भी दी गई है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आता है। अच्छा, ये सीपीसी को मैंने ओवरऑल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। बुक्स नॉट टू मिस, अक्सर जो सिविल जज की तैयारी करते हैं कैंडिडेट वो ये बुक्स को मिस कर देते हैं, क्योंकि जनरल बातें ये सीआरपीसी सीपीसी डीपीसी वगैरह, तो ये बातें ये बुक्स भी इंपॉर्टेंट है। डायल मैजिस्ट्रेट एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, फैमिली कोर्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। अब क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, इससे लाजमी सवाल आएगा और ये डिस्प्यूट पे भी चल रहा है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ओथ एक्ट, ये वो बुक्स हैं जिनसे सवाल आ सकता है और जिनको अक्सर मिस किया जाता है, जिसको नहीं पढ़ा जाता, इनसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। क्या आएंगे वो तो फिर उन्हें को पता है। इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू की बात हम कल जो सेशन है उसमें मैं डिटेल में अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर कर लूंगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी के उसमें शॉप में दे हैव कम इनटू दिस सेशन, तो उनको मैं 3 चीजें इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। पहले तो 4 महीने पहले आप प्रॉपर तैयारी शुरू कीजिएगा, लेकिन 3 चीजों पे अभी से आप फोकस करें, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्किल्स पे। पहला ये कि इंग्लिश, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश राइट। इसका कोई आप लाख आपको बुरी लगती हो ये जबान, लेकिन पेपर अटेम्प्ट किसी पे करना है, इंटरव्यू में किसी दबाव में ढूंढना है, तो उसको उसमें एक महारत हासिल कर लें। दूसरा स्किल जो है मेमोरी की स्किल,
इसकी जैसे मैं अपनी वीकनेस बताता हूँ कि मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस पर थोड़ा आपको काम मेमोरी इंक्रीजिंग एक्सरसाइज होते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मेमोरी अच्छी अच्छी करते हैं। तीसरी चीज़ कॉन्फिडेंस, ये तीन पे अगर कोई नेक्स्ट ईयर या तो कोई स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ थर्ड ईयर का, वो कहता है कि मुझे अभी से बता देने का, तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि फिलहाल वो अपने क्लासेस में फोकस करें प्रैक्टिस में, और ये तीन चीज़ों पे अपने पॉलिश करते रहें स्किल्स को, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर 4 to 5 months पहले टेस्ट के आप प्रॉपरली अपने सब्जेक्ट्स को लेके बैठते हैं। दैट्स ऑल फॉर द सेशन, टुमारो आई विल डिस्कस विद यू गाइस तो इंटरव्यू में हमारा एक्सपीरियंस। थैंक यू। Now may I request Honorable Barrister Uzair Khan Gori sahab for next session. Yes, assalamu alaikum. Majority of you would be aware of me, or jo nahi jaanta, like me, I started my career with chartered accountancy, then I landed in education. After practicing for 3 years, I was selected as judicial magistrate. और उसके बाद जो है वो मैंने जब पांच साल मैंने प्रैक्टिस करी, 4 साल होने के बाद जो है आई वेंट टू इंग्लैंड फॉर माय बार एग्जामिनेशन। करंटली आई एम अ मेंबर ऑफ लाइफटाइम मेंबर ऑफ लिंक्डइन एंड रिटायर्ड मेंबर ऑफ बार एसोसिएशन एंड साथ साथ ये कहने जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आप में से बहुत सारे वो लोग होंगे जो अपेयर हो रहे होंगे इस साल, और बहुत सारे वो होंगे जो कुछ लर्निंग के लिए यहाँ पर आए होंगे। अगर मैं थोड़ा सा लाउड बोलता हूँ, उम्मीद है कि वैसे भी अगर आवाज आ रही है तो माइक के बगैर भी मैं बोल सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। माइक के साथ भी बात कर सकता हूँ, माइक के बगैर इसको ज्यादा बेहतर रखते हैं, क्योंकि ये मुझे पकड़ने में मुश्किल होगी वरना मैं गले पे लगा लेता। मुझे जो आज बात करनी है वो सीआरपीसी के बारे में बात करनी है। टाइम मेरे पास बहुत ज्यादा कम है और अभी शहबाज साहब को भी आना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना टाइम पीरियड मैं कल ज्यादा यूटिलाइज करूं बनिस्बत आज। अब देखिए जो देखिये जब आप एग्जामिनेशन पे बैठेंगे जुडिशरी के एग्जामिनेशन पे बैठेंगे, वहां पर डेट्स बड़ी काउंट होती हैं। तो पहली चीज अगर आप नोट करें कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो 22 मार्च 1898 को आया था, जिसके अंदर 565 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल हैं। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। आप जब भी कोई चीज पढ़ते हैं यू शुड हैव हेलीकॉप्टर व्यू विद दैट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास क्या होना चाहिए, हेलीकॉप्टर व्यू। तो ये चीज कहलाती है हेलीकॉप्टर व्यू। तो अगर आप देखें इसके अंदर ये 22 मार्च 1898 को आया था, दैट इज प्राइड टू द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। फिर इसको हमने अडॉप्ट किया, इसको हमने अडॉप्ट किया, और फिर हम इसमें कंटिन्यूअस चेंजेस करते रहते हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के जरिए, जिससे आप सब भी वाकिफियत रखते होंगे। अच्छा, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। हमारा जो ये सीआरपीसी है ये प्रोसीजरल लॉ के बारे में बयान करता है। इसका मतलब है ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको कोर्ट के अंदर कदम रखना है और आगे चलना है। आगे यस। अच्छा, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा, स्लाइड्स में आपको बाद में बता दूंगा थोड़ी बहुत। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ द प्रोसीजर तो मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा, अगर आप लोगों को प्रोसीजर भी नहीं पता तो मैं बिल्कुल बुनियाद से चलूंगा, जैसा आप लोग बोले। अच्छा, आप जरा सुनिएगा। देखिए, हमारा जो क्रिमिनल लॉ जो है वो मोशन में कब आता है, वो एफआईआर जब कटती है ना तो उसके बाद मोशन में आता है।
एफआईआर कौन से सेक्शन में कटती है, ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। एफआईआर कटती है सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर, 154 सीआरपीसी। और जो एफआईआर जो कटती है वो वाले ऑफेंसेस होते हैं जो कि कॉग्निजिबल इन नेचर होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉग्निजिबल का मतलब क्या है। द वर्ड कॉग्निजिबल मीन्स दैट यू कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। और अगर 154 लिखा हुआ है, अगर आप 100 सेक्शन पहले चले जाएं 54, तो वो पूरी वजह बताता है कि कब आप अरेस्ट कर सकते हैं बंदे को विदाउट वारंट। उसमें मल्टीपल रीजन दिए हुए। तो वो जो अगर बंदा वारंट के बगैर पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करते हैं तो फिर उनके पास एफआईआर भी है, चीज इसका हासिल है कि वो उसकी एफआईआर काट दे। एफआईआर जो कटती है वो सेक्शन 154 सीआरपीसी में कटती है। क्लियर। जब हम एफआईआर काटते हैं तो एफआईआर जरूरी नहीं है कि बंदा विक्टिम को एफआईआर कटे, इट इज नॉट मैंडेटरी। एफआईआर कोई भी बंदा काट सकता है, कटवा सकता है। और वो बंदा कौन होगा जो कटवा रहा होगा, ही हैज टू बी द इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर एफआईआर कटवाएगा। और अभी हमारी जो लेटेस्ट जजमेंट आई है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सेकंड एफआईआर, आपको पता होगा, एंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ थर्ड एफआईआर। अगर सेकंड एफआईआर का कंसेप्ट होता तो एसआईआर होता, सीआरपीसी के अंदर क्या है। अगर थर्ड एफआईआर का होता तो टीआईआर होता, क्या है, नहीं, सिर्फ एफआईआर है। दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड इट ओनली रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन एंड इट्स अ प्रीवियस स्टेटमेंट। अगर आप लोगों को कंसेप्ट तो प्रीवियस स्टेटमेंट था, तो इट्स अ प्रीवियस स्टेटमेंट। और इसको आप क्या करेंगे, इसमें कोलैबोरेशन और कोलैबोरेशन को मैच करेंगे। कोलैबोरेशन एंड कोलैबोरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये चीज चेक करेंगे। और ये कहां से चेक करेंगे, आर्टिकल 140-153 ऑफ कानून शहादत, उसको इसके मैच करते हुए आप इस पे बकायदा क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन जो है आर्टिकल 133 ऑफ कानून शहादत उसके तहत इसको मैच करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एफआईआर काट। मैं उसे पहले भी नहीं किया, मैं उस पे मैं नहीं जा रहा हूं, वरना बात बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा। एफआईआर आपकी कट गई, एफआईआर कटने के बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मैटर चले जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मैटर चले जाता है तो एक और रेलिवेंट सेक्शन, क्योंकि मजिस्ट्रेट से रेलिवेंसी में बता रहा हूं, पेपर से रेलिवेंट, एक और जो रेलिवेंट सेक्शन है वो है 160 सीआरपीसी। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये इख्तियार है कि वो किसी के भी बंदे को बुला सकता है उसको एज अ विटनेस। 160 सीआरपीसी ये वाले बात बोलता है। आईओ किसी को भी नोटिस दे सकता है और कहता है कि आओ और आके विटनेस बनो, और 161 के तहत उसके वो बयान को रिकॉर्ड करता है। 161 होता क्या है, 161 इज बेसिकली, इसमें आईओ जो है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्ड करता है। और सिर्फ एक बाहर केस है जिसमें सही तरीके से स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, दैट इज द मुशर्रफ केस। उसके अंदर आईओ ने अपने वर्बेटिम में 161 लिखा है, उसको सुनने के बाद विटनेस को, यहां पर क्या होता है, लग रहा होता है कि वर्बेटिम किसका चल रहा है, विटनेस का। आईओ रिकॉर्ड करता है विटनेस के वर्बेटिम को सुनने के बाद, दैट इज ऑल दोस पीपल हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्वाइंटेड विद द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। देयर एविडेंस In form of the statement has to be recorded by the IO under section 161 of CRPC. और हाँ, क्योंकि ये IO अपने वर्बेटिम में उसको चाहिए रिकॉर्ड के लिए, इसी वजह से 161 के ऊपर सिग्नेचर नहीं होते। On the other hand, 154 के ऊपर सिग्नेचर होना लाजिम है। दोनों प्रीवियस स्टेटमेंट है, 154 हो या 161। केस को मजबूत करने के लिए एक और एप्लीकेशन लगाते हैं मैजिस्ट्रेट साहब के पास अक्सर का, वो कौन सी होती है, वो होती है 164 सीआरपीसी। 164 सीआरपीसी क्या है, 164 दो किस्म के होते हैं सीआरपीसी, या तो स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा या फिर कन्फेशन के फॉर्म में होगा। स्टेटमेंट किसका होगा, विटनेस का। कन्फेशन किसका होगा, अक्यूज का। क्या कन्फेशन ओथ पर हो सकता है, अगर कन्फेशन ओथ पे होगा तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है, अगर पेपर में आए क्या कन्फेशन ओथ पे हो सकता है, नहीं, कन्फेशन कैन नॉट बी अन ओथ। अगर ओथ पे हुआ तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। आगे बढ़ो, तो 154 हो गया, 161 हो गया या 164 हो गया, ऑल दीज आर प्रीवियस स्टेटमेंट्स। अगर आप ये समझते हैं कि 164 की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इफ इट इज सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन इट हैज सम वैल्यू, and if it is not subject to cross examination it is just like 161 CRPC statement।
अगर 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 164 को क्रॉस किया है तो फिर उसकी वैल्यू है, वरना इट हैज नो वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। और 164 को क्रॉस का अगर आपने देखना है तो 164 प्रोवाइड्स यू टू रीड विद आर्टिकल 47 ऑफ कानून में चाहता है। इनको आप अपने इनको आप अपने मैच करें तो क्या क्लियर हो जाएगा। सवाल अगर लोगा तो फिर तो वो है ठीक है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली ये होता है 496 के जो अमूमन 90% ऑफ जो 496 के केसेस हैं जो कटते हैं वहां पर वो खातून आती है, आके अपना स्टेटमेंट देती है, मुल्जिम अरेस्ट भी नहीं होता, मुल्जिम का पता भी नहीं होता, वो रिकॉर्ड हम करते हैं, रिकॉर्ड करने की बुनियाद के ऊपर सी क्लास आता है, हम सी क्लास कर देते हैं। ए बी सी क्लास आई हो पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आप लोग थोड़ी देर में। खैर ये मैंडेटरी है, क्रॉस एग्जामिनेशन मैंडेटरी है, आर्टिकल 47 मैंडेटरी है, इसका लेकिन हम लोग ख्याल नहीं रखते। आगे बढ़ते 164 लेने के बाद क्या होगा, आईओ अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के बाद आईओ को लगता है कि देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, 169 में उसको बाहर कर देगा। अगर लगता है यस देयर इज सफिशिएंट एविडेंस, 171 के तहत जो है चार्जशीट को आगे फॉरवर्ड करेगा और 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट कोर्ट के अंदर फर्निश करेगा। चलान नाम सुना, चलान सुनो, 173 रिपोर्ट कहा है, 173 रिपोर्ट कहा है, चलान नहीं कहा, चार्जशीट नहीं कहा, क्या कहा है 173 सीआरपीसी रिपोर्ट। कहां से आएगी, आईओ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से जाएगा ठीक है, 9/4/12 के तहत प्रोसिक्यूशन रूल्स, वो कहां फॉरवर्ड करेगा, मैजिस्ट्रेट के पास, फिर मैजिस्ट्रेट उस पर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। अब जरा सुनिए, 173 सीआरपीसी रिपोर्ट का अल्फाज क्यों इस्तेमाल किया है, किसी को आईडी, रिपोर्ट का अल्फाज इस्तेमाल क्यों किया, गोइंग यस एफआईआर में अगर ये मेंशन है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो इसी हिसाब से रिपोर्ट ही कब तक क्लियर होती है, इसी हिसाब से इट्स अ गुड आईडिया बट रिपोर्ट बेसिकली इस वजह से इस्तेमाल किया है क्योंकि 173 जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स में आती है, या तो वो फाइनल रिपोर्ट के फॉर्म में आएगी, या तो वो इंटरिम रिपोर्ट या चार्जशीट के फॉर्म में आएगी। क्लियर है, अगर 173 सीआरपीसी जो है वो फाइनल रिपोर्ट के फॉर्म में आ रही है तो वो तीन तरीके से आ रही होगी, या तो ए क्लास, या बी क्लास, या सी क्लास। फाइनल रिपोर्ट अगर है तो वो तीन किस्म की आ रही होगी, ए क्लास, बी क्लास या सी क्लास। ए क्लास क्या है, वेयर अक्यूज आर अनरेसिबल, यस, या उनके पेरेंट्स वगैरह का मालूम ना हो, एड्रेसेस का मालूम ना हो, यस और नो, तो ए क्लास होती है। या फिर अगर अक्यूज पकड़ा गया है, पकड़ने के बाद देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट दैट अक्यूज, अगेंस्ट दैट अक्यूज कह रहा हूं, अगेंस्ट दैट अक्यूज नॉट अगेंस्ट द इंसिडेंट, इनसफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज है, अगेंस्ट द अक्यूज है, तो वो अक्यूज को आप बाहर कर देंगे, दोबारा से मैटर क्या हो जाएगा, ए क्लास, क्योंकि और कोई मुझे नहीं, फिर से मैटर क्या होगा, ए क्लास। दूसरा होता है बी क्लास। अच्छा ए क्लास इज अ ट्रू केस, केस पक्का होता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दो, एक बंदा रोड से जा रहा है ठीक है, पीछे से गाड़ी आई, गाड़ी मार के उसको चले गई, वो बंदा मर गया, क्या मुजरिम का पता चला, वो तो भाग गया, ना गाड़ी का पता है ना मुजरिम का पता है, जुर्म तो हुआ है ना, कौन सा जुर्म हुआ है, 320, यस और नो। अगर जुर्म हुआ है तो कोई ना कोई तो एफआईआर करके रिपोर्ट सबमिट होगी, रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट के फॉर्म में आएगी और अंडर ए क्लास आएगी, क्योंकि मुजरिम का पता नहीं है, लेकिन केस सच्चा है क्योंकि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। दूसरा कौन सा होता है, बी क्लास। बी क्लास का मतलब है फॉल्स केस, झूठा केस। अगर झूठा केस है तो बी क्लास है, तो ए के बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, बी। फिर आ गया सी क्लास। सी क्लास क्या होता है, नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, ना ही सच ना ही झूठ, वो और कोई कैटेगरी होगी, वो सी क्लास के अंदर फॉल करेगी, जैसे ज्यूरिसडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे सी क्लास कर दिया जाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर सी क्लास कर दिया जाता है। जैसे मिसाल दूं, अगर मेरा मोबाइल फोन यहां पर गिर गया और मैं समझा चोरी हुआ है और मैंने चोरी की एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ कटवा दी, बाद में मेरा मोबाइल फोन रिकवर्ड हो गया, तो इट्स अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इस पे क्या होगा, सी क्लास हो जाएगा। मैंने झूठ नहीं बोला है,
इट्स अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो फिर क्या होगा सी क्लास। ये हो गई आपकी फाइनल रिपोर्ट, दिस इज योर फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट अगर आप हटा दें और आप दूसरी जगह पर आ गया, दूसरा क्या होता है चार्जशीट। अब चार्जशीट कौन सी है, या तो इंटरनल होगी, इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है भाई, राइट। कितने दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है, 14 डेज। उसके बाद ग्रेस पीरियड कितना है, 3 दिन का, यस 3 दिन का, 15 डेज फॉर रिमांड, 167 की अभी उसके बारे में बात करें। ग्रेस पीरियड कितना है, 3 दिन का, 3 दिन के बाद भी अगर टाइम देना तो किस सेक्शन में देंगे, 344 के अंदर टाइम देंगे, यस और नो। 15 दिन कस्टडी लिमिटेशन का, कस्टडी लिमिटेशन के 15 दिन। अच्छा, अब चार्जशीट या तो इंटरिम होगी या फाइनल होगी या सप्लीमेंट्री होगी, सप्लीमेंट्री भी हो सकती है। तो आपकी 173 सीआरपीसी रिपोर्ट दो किस्म की आ गई, एक आ गई फाइनल रिपोर्ट, दूसरी आ गई चार्जशीट। फाइनल रिपोर्ट ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, और दूसरा मैंने क्या कहा है चार्जशीट। चार्जशीट इंटरिम चार्जशीट, फाइनल चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सप्लीमेंट्री चार्जशीट तब आती है जब फाइनल एक्सेप्ट हो जाए, एंड इन केस इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज टिल डिस्पोजल ऑफ द केस। यस, जब तक केस खत्म नहीं होता, जजमेंट नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन चलते रहती है। कोई नए फैक्ट अगर आते हैं तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर वो आ सकते हैं, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले, चलिए आगे की बात, आगे मैं बात करूंगा। किसी ने 167 का जिक्र हो गया था, 167 स्किप हो गया। कोई भी बंदा जब अरेस्ट होता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना होता है कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने। 24 घंटे का जो टाइम है ये हमारे आईन में भी लिखा हुआ है और ये हमारे सीआरपीसी के अंदर भी लिखा हुआ है 61, राइट। ये पूरा लिखा है कि 24 घंटे के अंदर पेश होगा कहां पर, कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने, और क्यों पेश होगा। इफ इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन, एग्जैक्टली यह बात है, तो फिर वो कहां पेश कराया जाएगा, कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट भी उसको देखते हैं कि आया आया इसको पीसी देना है या जेसी देना है। आई एम नॉट मैं ये पीसी जेसी इसमें से बात कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अवेलेबल ऑफेंस को मैं भी नहीं लेके जा रहा, राइट। इसको पीसी देना है या जेसी देना है। अच्छा, पीसी इज पुलिस कस्टडी रिमांड, जेसी इज जुडिशियल कस्टडी रिमांड। अच्छा, मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेजोरिटी ऑफ यू अग्री करें या नहीं करें, मेरा अपना है। रिमांड एक्चुअली तीन किस्म की रिमांड। एक होता है रिमांड, होता क्या है रिमांड, इज बेसिकली डिलीवरी ऑफ कस्टडी, कस्टडी की डिलीवरी करना। पहला कौन सा होता है, पुलिस कस्टडी। मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में मुलजिम आता है जब 167 की एप्लीकेशन लगती है, राइट। मैजिस्ट्रेट उसको पुलिस को दे दे, डिलीवरी ऑफ कस्टडी। मैजिस्ट्रेट उसको अपनी कस्टडी में रख ले, जेल में भेज दे, डिलीवरी ऑफ कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी, जेल कस्टडी, दो किस्म के हो गए। एक और भी डिलीवरी ऑफ कस्टडी हो सकती है, वो कौन सी, किसी और को भेज दे, बेल, श्योरिटी को दे दे। तो श्योरिटी को अगर वो दे रहा है कस्टडी, वो बेल इंटरटेन कर रहा है, तो बेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिमांड। ये मैंने ब्रिटिश जब मैंने बुक वहां गया हुआ था, वहां पर वी वर टॉट दिस प्रिंसिपल, तो वहां पर मैंने ये देखा, बेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिमांड। अच्छा, अब उसके वजूहत होते हैं, फिर विमेन का रिमांड डकैती और मर्डर केस के अलावा, और डकैती और मर्डर के अलावा जो है ना, और विमेन का रिमांड आप दे नहीं सकते, और भी उसमें मल्टीपल बात है, 167 रेलेवेंट प्रोविजन। अच्छा, अब जब चार्जशीट आ जाती है, जब आपकी चार्जशीट आ गई, किस फॉर्म में आ गई, 173 चार्जशीट कह रहा हूं मैं, फाइनल रिपोर्ट नहीं कह रहा, चार्जशीट आ गई आपकी 173, उस पे जो है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला मैं अपने सामने आने वाले जजेस भी देख रहा हूं, आप लोग बैठे हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बनाए आप लोग। फिर उसके ऊपर आप एक ऑर्डर पास करते हैं 190 सीआरपीसी का, मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो 190 सीआरपीसी, पहली कॉग्निजेंस बेशक ऑफेंस ट्राइबल बाय सेशन हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल ऑफेंसेस, मैं स्पेशल ऑफेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बेशक ऑफेंस ट्राइबल बाय सेशन हो, तो उस पे मैजिस्ट्रेट जो है वो फर्स्ट कॉग्निजेंस लेता है अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी। अच्छा, कॉग्निजेंस का यहां पर मतलब क्या है, द वर्ड कॉग्निजेंस मींस ही टेक्स नोटिस ऑफ द ऑफेंस, दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, नॉट द ऑफेंडर। कॉग्निजेंस ऑफेंस के खिलाफ लिया जाता है, नॉट द ऑफेंडर, क्योंकि अगर ऑफेंडर के खिलाफ कॉग्निजेंस ले ले तो 351 सीआरपीसी का प्रिंसिपल खत्म कर दे, जो कि एट लेटर स्टेज आप किसी को भी मुजरिम बना सकते हैं।
351 में आप डिटेल चेंज मुद्दे बना सकते हैं ना, तो अगेंस्ट जो ऑफेंडर अगर ले ले शुरू में ही तो फिर तो प्रिंसिपल ही खत्म हो गया। इसी वजह से अगेंस्ट दी ऑफेंस कॉग्निजेंस वो लेता है, कहता है ये जुर्म हुआ है। अच्छा एक बात रह गई थी पहले की, डिस्चार्ज और रिमांड की, फिर मैं दोबारा से 190 पे आता हूं। एक प्रिंसिपल है 63 सीआरपीसी जो हम लोग अक्सर अवकार लगाते हैं, मेरे सामने भी बहुत लगे, मैंने भी बहुत डिस्चार्ज किए। 63 एप्लीकेबल कब होता है? 63 की एप्लीकेबल कब होगा? एक ही सिनेरियो, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूजेशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड इज नॉट वेल फाउंडेड। 63 रिमांड आप कब देते हैं? व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूजेशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड इज वेल फाउंडेड। दोनों में फर्क, तो इसका मतलब है 167 के ऑपोजिट क्या है? 63। 63 की लैंग्वेज ही अलग है, लैंग्वेज when the probability of accusation against the accused is not well founded, discharge। और एक और चीज, probability के अल्फाज एक और जगह आप पढ़ते हैं 249A में, वो क्या कहता है? when there is no probability of conviction, तो probability of conviction अगर कहता है तो 249A, probability of accusation अगर कहता है तो 167, और कहता है no probability of accusation तो 63। ये तीनों में bifurcation, clear? आगे जब 190 पे मैजिस्ट्रेट पहला कॉग्निजेंस ले लेता है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है वही चीज को कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर भेजेगा। अगर सेशन ट्रायल है तो, अगर अपना ट्रायल है तो अपने पास रखेगा। अगर कोर्ट ऑफ सेशन में भेजता है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तब इसकी मैं मिसाल दे देता हूं आपको। सेक्शन 302 है, किसका ट्राइबल? सेशन का। मजिस्ट्रेट साहब के सामने 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट आएगी, कहां से होते हुए आएगी? प्रोसिक्यूशन से। प्रोसिक्यूशन का नोट लगा होगा 9/12 का, यस 9/12 का प्रोसिक्यूशन का नोट लगा होगा, 168 की अप्रूवल लगी होगी, मजिस्ट्रेट साहब के सामने आएगी, मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा क्या? चालान एक्सेप्टेड सिंस द ऑफेंस इज ट्रैवल बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेशन, लेट आरएनपी बी सेंट टू द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेशन, कोई से भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लेगा। फिर वो फाइल कहां जाएगी? सेशन जज के पास। सेशन जज साहब जो है उसके ऊपर 193 में सेकंड कॉग्निजेंस ले, तो फर्स्ट कॉग्निजेंस इज टेकन बाय द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट, सेकंड कॉग्निजेंस टेकन बाय द सेशन जज। अच्छा अब यहां पर एक सवाल है जो अभी तक मुझे, मैं पूछता हूं लोगों से, ये वाला सवाल जाहिर कीजिएगा, ये सवाल ये है कि अगर कॉग्निजेंस ले लिया, अगर कॉग्निजेंस ले लिया मैजिस्ट्रेट साहब ने, तो क्या 193 के अंदर सेशन जज साहब उसको रद्द कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और अगर रद्द कर सकते हैं तो क्या कॉग्निजेंस लेना जुडिशियल ऑर्डर हो गया, सब्जेक्ट टू रिवीजन अंडर सेक्शन 439 डील विद 193 सीआरपीसी, या विजडम हेल्ड बाय मोर एपेक्स कोर्ट के 190 से कॉग्निजेंस लेना इज अ काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर चैलेंजेबल अंडर 561A ऑफ सीआरपीसी। ये क्वेश्चन मार्क है जो मेरा अभी तक मुझे जवाब नहीं मिल सका है, लेकिन ये एक सवाल है, अगर किसी को पता हो तो मुझे भी जवाब दीजिए, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन है तो मैं चाहूंगा कि मुझे इसका जवाब दें आप भी। और इसके खैर आगे बढ़ते हैं, सेकंड कॉग्निजेंस कौन ले रहा है? सेशन जज ले रहा है। जब सेशन जज सेकंड कॉग्निजेंस ले लेता है, ठीक है, तो 193 के यहां तक प्रिंसिपल क्लियर हो गया। अच्छा अब आते हैं कंपैरिजन में, एक ट्राई मैजिस्ट्रेट का चल रहा है और एक ट्राई सेशन जज का चल रहा है, दोनों में कॉपी सप्लाई होती है किसको? अक्यूज को। दोनों में अक्यूज को कॉपी सप्लाई होती है और कॉपी सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मैं अभी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है, 5 मिनट का हमारा सेशन था, शहबाज साहब भी बैठे हुए हैं, आई कंटिन्यू विद माई सेशन टुमारो रिगार्डिंग सीआरपीसी, जहां पर मैं कंपेरिजन करूंगा बिटवीन सेशन जज ट्राई और बिटवीन मैजिस्ट्रेट ट्राइल। टुगेदर विद दैट मैं प्रिंसिपल ऑफ बेल के बारे में भी बात कर लूंगा, और उसके अलावा मैं आपको जो मिसेलिनियस इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स होते हैं क्रिमिनल के, उसके बारे में भी मैं जितनी गाइडेंस मेरी हो सके मैं प्रोवाइड करूंगा। यू ऑल आर लर्नड मेंबर्स, आप लोग को मुझसे बेहतर पता है, मुझे भी गाइड कीजिएगा, मैं आप लोगों को भी गाइडेंस दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू।
Thank you so much, sir. Now I will request Shambhashir sir, honorable Mission Minister, for next slide. अच्छा कितने सारे हमारे यहाँ पे मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी अभी तक कोर्ट से प्रेजेंस नहीं है और इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट क्राइम से जो है इनको बिल्कुल नहीं पता मजिस्ट्रेट क्राइम का ठीक हो। अच्छा जहां जैसे भी हो जैड साहब ने बात करी है सेक्शन 154 से रिलेटेड कि एफ आई आर लॉन्च होने के बाद से जो है सीआरपीसी का मुस्तुक कोर्स इस पर एक चीज पूछिए और एक करता मैं चलूँ सेक्शन 54 सीआरपीसी जो है ये एम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर्स को टू डिटेन द कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड फॉर 24 आवर्स। इस चीज के बारे में पता है किसी को 54 के बारे में सीआरपीसी के बारे में सेक्शन 54 सीआरपीसी वन ऑफ द मेन सेक्शन ऑफ सीआरपीसी विच ऑथोराइज द पुलिस ऑफिसर टू डिटेन द पुलिस टू डिटेन द अक्यूज्ड फॉर 24 आवर्स इफ इन्वेस्टिगेशन If after lodgement of the FIR, it comes into the record that the accused is booked in FIR, तो उसमें होता क्या है कि 24 आवर्स जो है आपने कस्टडी पेश करनी है कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ये सामने आती है कि एक्यूजेशन अगेंस्ट द अक्यूज जैसे मुझे साहब ने बताया कि इज वेल फाउंडेड देन यू कैन रिमांड द अक्यूज फॉर पीसी दैट इज पुलिस कस्टडी रिमांड। और जैसे कि टाइप्स ऑफ रिमांड उदय साहब बता चुके हैं तो उस चीज पर मैं नहीं आऊंगा। दूसरी बात इसमें एक चीज और एड करना चाहूँ मैं 167 के ऊपर अगर जहां पर एक्यूजेशन अगेंस्ट दी अक्यूज इज नॉट वेल फाउंडेड तो क्या होता है उस बात मजिस्ट्रेट की क्या पावर है डिस्चार्ज कर सकता है सेक्शन 63 के अंदर। इसी तरह कॉग्निजेंस की बात करिए सेक्शन 190 के अंदर जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है सेशन केस के अंदर तो 190 सब क्लॉज 3 के तहत विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस इन सेशन केस विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस इन सेशन केस केस ट्रांसफर कर दिया जाता है सेशन कोर्ट के अंदर। इसी तरह अब मैं बात करूँ आपसे चार्जशीट के बारे में जैसे साहब ने बात की। अब इसके अंदर होता क्या है बहुत सी दफा ऐसा होता है कि अक्यूज को कॉलम रूम में रखा जाता है मुख्तलिफ कलर इंक से जैसे अक्यूज जो है कॉलम रूम में रखा गया है और रेड इंक से इसका क्या मतलब है अक्यूज इज एब्सकॉन्डर वेयर अबाउट ऑफ द अक्यूज इज नॉट नोन। इसी तरह अगर अक्यूज को ब्लैक इंक से रखा गया है कॉलम रूम में इसका क्या मतलब है इसका मतलब अक्यूज इज नो मोर हिज एक्सपायर्ड। और इसी तरह अगर ब्लू इंक से रखा गया है कॉलम टू के अंदर इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है दैट देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल अगेंस्ट द अक्यूज दैट्स व्हाई ही इज प्लेस्ड इन कॉलम नंबर टू। अब इस पर हम चलते हैं कि कॉग्निजेंस हम सेक्शन 190 में हम लेते हैं 190 के बाद से जो ट्राइब स्टार्ट होता है वो कॉपी सप्लाई से होता है जो कि सेक्शन 241A सीआरपीसी की बात करता है। ट्राइब स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले स्टेज क्या होता है कॉपी सप्लाई के बाद नहीं चार्जशीट हो चुकी है कॉपी सप्लाई हो गई। कॉपी सप्लाई का मकसद क्या होता है ताकि अक्यूज को कॉपीज जो है स्टेटमेंट की और स्टेटमेंट होते हैं वो 151 सीआरपीसी के अंदर पुलिस ऑफिशियल जो रिकॉर्ड करते हैं वो प्रोवाइड की जाती है अक्यूज को ताकि वो पढ़ सके और पढ़ के समझ सके कि चार्ज से उसको की क्या लेनी है। मेन पर्पज इसका चार्ज कॉपी सप्लाई का ये है कि कॉपी सप्लाई के बाद 7 डेज का टाइम दिया जाता है चार्ज प्रिंट करने के लिए उसके अगेंस्ट जो मटीरियल है ताकि उसको पढ़ ले और पढ़ कर उसका वो जवाब दे सके एट द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑफ द चार्ट। और उस जवाब को हम क्या कहते हैं प्ली। अच्छा प्ली के अंदर वो मिक्स प्ली लेता है कि जहां पर वो ऐसी कोई ग्राउंड लेता है कि मैंने ऑफेंस किया तो है लेकिन सेल्फ डिफेंस में किया तो क्या कहते हैं यू कैन कन्विक्स द अक्यूज्ड ओके
अब इसी तरह जहां पर अक्यूज डी लेता है सोल बेटर उसी के ऊपर एडमिट करता है कि ये जो ऑफेंस किया मैंने ही किया है, तो क्या उस बेसिस के ऊपर हम जो है कन्विक्शन दे सकते हैं अक्यूज को? ठीक हो गया, वो डिफेंस भी अब आप कर रहे हैं उसकी बात। अगर यहाँ अक्यूज की फी जो क्लियर फी है करता है एट दैट टाइम ही कैन बी कन्विक्टेड ऑन हिज सोल डी, तो उससे क्या प्रोसीजर क्या होता है जब अक्यूज कन्विक्ट करना चाहते हैं कोर्ट, तो उसमें होता क्या है सेक्शन 243 का शो कॉज मैंडेटरी है। और क्वेश्चन ठीक हो, अब इसमें होता है क्या है जब प्ली हो गई, प्ली पे अगर उसने गिल्टी नहीं किया तो ट्रायल चलता है, गिल्टी कर लेगा तो सेक्शन 43 के तहत शो कॉज शो करके देन एंड ही मेरी कन्विक्टेड। पर लेकिन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने फ्री पेज को कन्विक्ट करना है, अगर कोर्ट देखती है कि इसका तो मटेरियल रिकॉर्ड पर अवेलेबल है कि फिश वाइड्स क्रॉस एग्जामिनेशन एविडेंस टू रिड्यूस द ट्रायल, तो उसमें भी यही होता है कि पूरा पूरा ट्रायल कोर्ट चला सकती है। तो एविडेंस जब चलती है तो राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो किसका है? अक्यूज का। क्या इन दी एब्सेंस ऑफ अक्यूज एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती है? एनीवन एल्स? सेक्शन 353 सीआरपीसी टू पावर द कोर्ट दैट एविडेंस इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज कैन बी रिकॉर्डेड। सेक्शन 353 बिल्कुल, सेक्शन 353 की एप्लीकेशन के बाद एविडेंस जो है इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज कैन बी रिकॉर्डेड, बट इसकी एक्सेप्शन क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लीडर। बाद में ये होता है कि 512 में चलान कर दिया जाता है रेड इंक से जहां पर अक्यूज एंट्री से, तो उन हालात में क्या होता है? सेक्शन 512 जो है इम्पावर्ड करता है दैट इम्पावर द कोर्ट that court can record the evidence in absence of the accused, however in absence of his pleader, but at the later stage if it comes to record that the accused has been arrested, then what would be the procedure? Sir, procedure the same. Kya examination chief ko adopt karwaya ja sakta hai? Nahi, because section 353 कोर्टी से बार्डो लगाता है कि इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज एनी स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड नल एंड वॉइड। तो फिर इसमें होता यही है प्रोसीजर कि अगर अक्यूज बाद में अरेस्ट हुआ है तो उसके बाद दोबारा से उसका री एग्जामिनेशन और विटनेसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज, फिर उसके बाद राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दिया जाए। अगर अक्यूज के पास काउंसिल नहीं है ही हैव एन अपॉर्चुनिटी टू हायर काउंसिल। फायदा है कि जब वो वापस आएगा तो रे एग्जामिनेशन बस ये। उसके बाद एविडेंस चली गई, सारी चीजें हो गई, साइट क्लोज होती है, सब साइट क्लोज पहले ही आता है। कोई ऐसा फिटनेस है जो कि प्रोसिक्यूशन को भी लगता है अक्यूज साइड को भी लगता है कि इसको आना चाहिए था, चार्जशीट के अंदर इसका नाम डालना चाहिए था, लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अंदर इसका नाम डालना चाहिए। अगर उसका नाम नहीं डाला है तो क्या प्रोसीजर है? ऐसा कोई मटीरियल विटनेस जिसकी एविडेंस जो है विच इज नेचुरली फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, तो क्या करना चाहिए, किस लॉ के तहत किस प्रोविजन के तहत ये पावर है कोर्ट को कि वो विटनेस को कॉल कर सकती है? सेक्शन 540, सेक्शन 540 के तहत और आर्टिकल 161 कानून शादर एम्पावर करता है कोर्ट को टू कॉल एनी विटनेस विच इज नेसेसरी फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस ऑन आइदर पार्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ फॉर द अक्यूज। उसके बाद साइट जो इसके बाद आज काम आ गए एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद हम आते हैं साइट क्लोज हो गई, प्रोसिक्यूशन साइट क्लोज कर। अच्छा, क्या सेक्शन 340 सब क्लॉज 2 क्या मैंडेटरी प्रोविजन है? क्या अक्यूज ने ओन ऑफ आकर अपना स्टेटमेंट लाजमी करवाना है, इज इट मैंडेटरी? मैंडेटरी। अच्छा, सपोज अगर वो ओन ऑफ आकर स्टेटमेंट देता है तो क्या होगा?
What the difference between C40 subclass 2 and C42 CRPC? 340 subclass 2 के अंदर जब ऑन फोर आता है तो प्रोसिक्यूशन उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकती है, 342 के अंदर क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकती। इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि एविडेंस के अंदर आपको ऐसा एविडेंस है, जैसे हमने बात करी विटनेस की के 540 में कॉल कर सकती है। इसी तरह अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो कोर्ट आर्टिकल 161 कानूनी शहादत के तहत उन डॉक्यूमेंट्स को भी कॉल कर सकती है। ठीक होगी, बाकी जजमेंट आगे जजमेंट हेयरिंग होती है, कन्विक्शन है और एक्विटल है। बाकी यहीं पर मैं लेक्चर खत्म करना चाहूंगा। आज का सेशन हमारे यहाँ खत्म पसीर होता है। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, माइक के लिए माइक वहां पर। एनी क्वेश्चन? लेकिन आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि एविडेंस की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एवरी एविडेंस एवरी एग्जामिनेशन इज सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। अब 512 की नॉर्मल रूटीन में प्रोसीजर्स नहीं होती, लेकिन अगर रिफर करें 173 पे हमने जो मटीरियल देखा उसमें आ गया, 512 के दौरान हमने विटनेसेस की जो एग्जामिनेशन थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली। एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करने के बाद हमें ये पता चलता है कि बीच का जो मटीरियल नहीं है देयर विल बी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन दैट इवन एक्वर्ड वर्सेस इन एब्सेंशिया जजमेंट है। तो मेन पर्पज उसका ये है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फॉलो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि ओवरलोड ऑफ वर्क सिंपल लगता है और इसको जबरदस्त डिफाइन किया गया है अपना PND 2010 SC585 है रहमत में जाहिर साहब की जजमेंट में जबरदस्त डिफाइन किया गया है, जिसमें से ये भी कहा गया था कि 87-88 की प्रोसीडिंग भी मजिस्ट्रेट कर के ऊपर जैसे ये वर्ल्ड सेशन PND 2010 SC585 एंड द जजमेंट विच डिक्लेयर जो ऑनरेबल हाईकोर्ट की जजमेंट थी कि 512 का जो चालान है उसको कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन किया जाए, ये बड़ी सर्कुलेट PND 2016-238। अच्छा, उसमें ये इशू है कि ये जो जजमेंट है वो ऐसा फर्ज नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि 173 की रिपोर्ट सबमिट होती है यू हैव टू पास द ऑर्डर ऑन सेक्शन 190, यू कैन नॉट डेफर दैट। आप पोस्टपोन किस कानून के तहत कर सकते हैं, या लेना है या नहीं लेना, दो चीजें हैं, दो सूचने ये भी आप कर सकते हैं। तो उसमें इस वजह से कहा गया कि 512 हो कार्रवाई मुकम्मल करें, 87-88 में फाइल एविडेंस रिकॉर्ड करें, अगर ये समझ आती है उसमें मटीरियल है तो move on, otherwise put into down. जो डेट आप बात कर रहे थे तो एक चीज मुझे एक और याद आ गई, अटेम्प्ट के हवाले से मैं ज्यादा होकर उसमें कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव में आई थिंक वी ऑल आर इन कंसेंसस कि हमने कोई केस लॉज मेंशन नहीं किया था। डू रिमेंबर दैट व्हाइल अटेम्प्टिंग द सब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ द टेस्ट, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कैंडिडेट से कि हम केस लॉज मेंशन करेंगे नहीं करेंगे, कंसेंसस है कि हमने नहीं किए थे केस लॉज मेंशन। उसमें हो सकता है कि इन चीज का भी गलती होता है, ये भी हो सकता है आप पूरा सही लिख रहे हैं लेकिन क्या पता उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसफाइड कर दिया हो, और क्योंकि जो चेकर है आपका इज द बुक इज द लॉ उसको सब पता हो तो वो उसी नजर से जरा आपको देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो ट्राई अवॉइडिंग मैक्सिमम एक से ज्यादा को बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप एजुकेशन इंशाल्लाह कल का सेशन हमारा 2 बजे के बीच में स्टार्ट होगा।
और ग्रुप फोटो लेते हैं और कमेंट फॉर्म।